Hello and good evening, my army. So we are starting with the vectors 12th board के लिए, ठीक है. So आज NCERT की ये सारी exercises cover करने वाले हैं. Sorry, कुछ technical glitch की वजह से power पूरा उड़ गया था studio का. But I am back and we are starting with this one. सबसे पहले तो यार आगे जाने से पहले भैया पता होना चाहिए. लिख दो एक तो चार section में let the magic begin. And इसके साथ साथ guys यहाँ पे This is the syllabus as per your CBSE. तो ठीक है, आप किसी भी और बोर्ड के लिए दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सवाल आ जाए. लेकिन आई विल रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि अपना सिलेबस प्लीज़ चेक करो, क्योंकि इसके अलावा अगर कोई भी और टॉपिक तुमसे पूछा जा रहा है आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हो. अब यहाँ पे एज पर योर CBSE सैम्पल पेपर अगर जो 2023 का है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो इस चैप्टर की वेटेज आपकी है 7 से 8 नंबर आउट ऑफ 80 मार्क्स. ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 10% तुम्हारा वेक्टर से पूछे जाने वाला है. एक्चुअली इफ़ यू रियलाइज यहाँ पे वेक्टर प्लस 3D का यूनिट जो CBSE ने दिया है वो 14 नंबर का है. ठीक है, तो लगभग एज पर द सैम्पल पेपर आपकी 50-50 ही रखी गई है वेटेज, विच इज़ प्रिटी कूल. चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दिस इज़ दिस वीक्स शेड्यूल. ठीक है, तो ये हो चुका है, ये आज हो जाएगा एंड आगे भी. एक पोल है तुम्हारे लिए जो डाला हुआ है जेई के बच्चों के लिए कि मुझे जल्दी से बता दो बाइनोमियल थ्योरम के बाद नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस या कॉनिक सेक्शंस. फटाफट से जितनी जल्दी तुम्हारे वोट चलेंगे इट विल हेल्प मी मेक अ डिसीजन, क्योंकि पूरी जोरों शोरों से अपनी तैयारी हो रही है. डन. इसके साथ साथ अपनी 12th बोर्ड की कंप्लीट तैयारी के लिए tinyurl.com/12thwithnehamam पे NCERT की एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम सारे चैप्टर्स तुम्हारे कर रहे हैं, तो आप बाकी के सेशंस को भी वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक बच्चों से थोड़ी देर पहले पोल डाला था कि भैया नोट से पढ़ना चाहते हो वेक्टर्स आज या स्लाइड से. सो आई थिंक 65% जनता ने मुझे नोट्स कहा, तो वेरी क्विकली यहाँ पे मैं आपके नोट्स ओपन कर रही हूँ. ठीक है जी, मतलब ओपन सब था लेकिन एक झटका मारा आपकी लाइट ने और सब उड़ गया. एनीवे, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों. अब इसके अंदर देखो बेसिक से पढ़ रहे हैं, करेक्ट. तो अगर देखे वेक्टर एंड स्केलर में फ़र्क आई गेस मोस्टली बच्चों को पता ही होगा. स्केलर क्वांटिटी यानी जब हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के लिए बात करें, राइट. जैसे मैं आपको बोलूं कि यार आपने 10 किलोमीटर चलना है, अब वो किस डायरेक्शन में पता है ये चलना है, ये नहीं कुछ बताया आपको, बस चलना है. समझ रहे हो, राइट. सो सेम वे, तो यानी सिर्फ जो चीज़ क्वांटिटी के बारे में आपको बताए, मैग्नीट्यूड के बारे में बताए, दैट इज़ व्हाट इज़ अ स्केलर. कोई डायरेक्शन ना दे, लेकिन वेक्टर वो है जिसके पास दोनों है. तो जैसे मैं बोलती हूँ कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो यू हैव टू बी अ वेक्टर, यू हैव टू बी अ वेक्टर इन लाइफ. ये नहीं कि भैया हमने इतने चैप्टर ख़त्म कर जाने हैं, ये करना है वो करना है, नहीं भाई, कि एक डायरेक्शन भी करेक्ट होनी चाहिए मेरे पास, किस दिन किस स्लॉट में क्या पढ़ना है, करेक्ट. तो वेक्टर एक क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों है. अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए आज सेशन में, कम ऑन माई आर्मी, राइट. चलिए, अमेजिंग. अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे बात करें तो यहाँ वेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, कुछ स्केलर के एग्जाम्पल्स हैं. आप वेक्टर को ना यार एक तरीके से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी मान सकते हो. ठीक है, डायरेक्टेड वर्ड यानी कि एक डायरेक्शन मिल रहा है. मैंने लाइन सेगमेंट क्यों कहा, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है. ऐसा नहीं है कि भैया फैला ही जा रहा है लाइन की तरह, करेक्ट. ओके, अब आगे बात करें, एक वेक्टर को यार आप इस तरह से डिनोट करते हो, आई गेस ये सबको चीज़ें चमकती होंगी, राइट. सो यानी कि एक ऐसी लाइन जहां पे यार ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, करेक्ट, एंड ये तुम्हारा टर्मिनल पॉइंट है यानी कि खत्म हो रहा है. आप डिनोट कैसे करते हो, ऐसे करके. एक चीज याद रखो, अगर तुमने वेक्टर BA लिखना है तो फिर आप ऐसे नहीं कि BA मतलब ऐसे उल्टा लिख दोगे, ये गलत है. BA के लिए मतलब आपका जो
सिंबल है वो लेफ्ट से राइट ही जाता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है फिर भी बता रही हूँ क्योंकि काम आने वाली चीज़ है। चलिए मैग्नीट्यूड की बात करें हम, आई होप ये बच्चों को क्लियर होती जा रही है चीज़ें, राइट। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वो क्या कहता है, किस तरह से आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है वो पता लगाते हो। वेरी सिंपल, इट इज टर्मिनल से इनिशियल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि आगे हम लोग ये चीज़ें अब डीप पढ़ने वाले हैं, लेकिन लेट्स से मैंने एक वेक्टर ए बी आपको दे दिया, ओके, लेट्स से 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। आई नो कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या है, i कैप, j कैप, k कैप सब आएंगे, लेकिन अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तुम्हें पता है तो जल्दी से लिख दो। हाँ जी भवेश जी, आपका मैसेज मिल चुका है कि सारे चैप्टर्स के लिए ऐसे ट्राई करो, बिल्कुल करेंगे। आप अभी अपने पढ़ने पर फोकस करिए, राइट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, वेरी वेरी सिंपल बच्चा, आपने जो भी कोफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर लिया, जैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला में लेते हो, करेक्ट, एंड बस इसका आंसर दे डाला। तो यहां पे दिख ही रहा है हमें 4 + 9 + 1 विच इज √14 units, ठीक है जी, √14 units, सुपर सुपर। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं लेकिन इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ मैं एक थोड़ी सी ब्लैंक स्क्रीन पे आई हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पोजिशन वेक्टर क्या होता है, आप ये देख लो कि एक तरीके से ये रेफरेंस के लिए है, जैसे कि भैया मेरा एक वेक्टर है कहीं हवा में, ठीक है, ये वेक्टर ए बी है, अब उसका कहीं से तो रेफरेंस पॉइंट होगा। मतलब क्या होता है ना, जैसे आप अपने घर को मान लो एक रेफरेंस पॉइंट, अब आप किसी, अब कहीं आप पहुंचे हुए हो तो आप उसका रेफरेंस कैसे देते हो, या मेरे घर से ये इस डायरेक्शन में है, इतने किलोमीटर दूर और इस डायरेक्शन में ये जगह आपको मिल जाएगी। उसी तरह हम यहाँ पे स्पेस में ओरिजिन को अपना एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट की ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से क्या पोजीशन है, एंड इसकी बी पॉइंट की ओरिजिन से क्या पोजीशन है, उसको हम बुलाते हैं पोजीशन वेक्टर। यानी ये वेक्टर ओ ए की बात करूँ तो दैट एक्चुअली मीन्स पोजीशन वेक्टर को पी वी भी लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, चमका ये चीज। उसी तरह से अगर ओ बी की बात करूं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है, करेक्ट। एंड अगर मैंने कहीं आपसे पूछ लिया कि यार ए बी क्या होगा फिर, ठीक है, मान लो मैं आपको एक इस तरह से वेक्टर दे दूं, एंड लेट्स से मैं बोलूं यार ए पॉइंट तो है जो तुम्हारा 2, 1, -3 है, एंड बी पॉइंट तुम्हारा है लेट्स से 4, 0, -7, करेक्ट, एंड आपने वेक्टर ए बी निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, इट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, एग्जैक्टली, ओ बी माइनस ओ ए, जैसे कई बच्चे लिख रहे हैं। सो इसमें क्या होगा, आप बेसिकली इनके कोऑर्डिनेट्स आपस में 4 - 2, ठीक है, तो 4 - 2 आई कैप, अभी आई जे के पे भी अभी आ रही हूं, फिर 0 - 1 एंड फाइनली -7, एंड ये हो जाएगा +3, ठीक है जी। सो दिस इज 2i - j - -4k। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है जी, पोजीशन वेक्टर सबको समझ में आ गया। अगर दो पॉइंट्स की मांग ली है तो फाइनल माइनस इनिशियल हम हमेशा करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम आने वाली हैं, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। चलो लेट्स गो आगे एंड चेक आउट। मैग्नीट्यूड की हमने बात कर ली है, अच्छा यहाँ पे अब हम आते हैं कॉम्पोनेंट्स, यानी कि अगर आपका एक वेक्टर इस तरह से, ये तो आपका हो गया ना पोजीशन वेक्टर, अच्छा कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, यानी एक वेक्टर दे रखा है, अब आप उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में उसके कॉम्पोनेंट्स यानी कि उसके टुकड़े निकालोगे, ठीक है, कि एक्स एक्सिस से उसका क्या सीन है, वाई से एंड जेड से, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, इफ यू ड्रॉप दिस परपेंडिकुलर,
तो आप देखोगे ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस एक्स है, करेक्ट। यहां पे मैं अगर ड्रॉप कर दूं राइट, तो ये डिस्टेंस वाई एक्सिस पे वाई है, एंड इसी तरह से एक परपेंडिकुलर अगर यहां पे भी ड्रॉप करूं मैं जेड पे, तो ये ओ जेड के लिए भी जेड है, करेक्ट। सो ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, इनको एक्स वाई जेड को हम क्या बुलाते हैं, स्केलर कॉम्पोनेंट्स। समझ में आ रहा है, एक्स वाई जेड आर द स्केलर कॉम्पोनेंट्स। एंड इसी के आगे अगर मैं आई जे और के लगा दूं, ये एक्स वाई जेड है, ये आई जे और के अगर लगा दूं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हो जाएगा वेक्टर कॉम्पोनेंट्स। याद रखना बहुत काम की चीज है, आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको हम ना यार यूनिट वेक्टर तो है ही, ये देखो इनको हम डायरेक्शन वेक्टर्स बुलाते हैं, किसके, एक्स वाई और जेड एक्सिस के रिस्पेक्टिवली। क्यों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड वन है, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे डायरेक्शन बताएगा। अब आप एक बारी मुझे बताओ, लेट्स से आई टेक एन एग्जांपल हियर, तो ध्यान से देखना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्या ये यूनिट वेक्टर है, यस और नो? मैंने आपको बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बनाई, यूनिट वेक्टर वो होता है बॉस जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। लेट्स सी कितने बच्चे इसको निकालते हैं करेक्टली, कम ऑन माय आर्मी, कम ऑन एवरीबडी, एक मिनट बच्चों, अभी आई थिंक क्लियर ही होगा, ठीक है, कम ऑन, बिल्कुल ठीक, ये है कि नहीं है, कैसे पता लगाओगे, जैसे मैंने इसे वेक्टर ए बोल दिया, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए के लिए कैसे करोगे आप, आई कैप का कोफिशिएंट वन स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट माइनस वन स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट वन स्क्वायर, सो दिस इज रूट थ्री यूनिट्स जो वन के बराबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। यानी कि अगर मुझे यहां से एक यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है, क्रिएट करना है एक यूनिट वेक्टर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सिंबल सीख लो, किसी को टोपी पहनाना है ना, हम करते हैं यार वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, करेक्ट, वेक्टर ए, ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए यानी कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो हो जाता है रूट थ्री, तो ये बन जाएगा वन बाय रूट थ्री आई कैप माइनस वन बाय रूट थ्री जे कैप प्लस वन बाय रूट थ्री के कैप, ठीक है जी, ये चीज़ सबको समझ में आ गई। तो हमने यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करके, ईजी, यस एवरीवन, चलिए दिस इज ऑसम, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू अनदर मेजर कॉम्पोनेंट जिसकी बात हम करेंगे, विच आर द डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज। तो इसको मैं क्या करूंगी यार, एक ब्लैंक स्लाइड पे पहले समझाऊंगी, थोड़ा नोट्स में तो तुम्हें दिख ही जाएगा फिर, तो समझो आपकी यार ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, करेक्ट। अब यहां पे क्या हो रहा है, लेट्स से ये पॉइंट है ओपी, ठीक है, एक वेक्टर मुझे दिया हुआ है ओपी, नाउ ऑब्वियसली दिस ओपी इज मेकिंग अ सर्टेन एंगल विद एक्स एक्सिस, एक एंगल विद वाई एक्सिस एंड एक एंगल इन जेड एक्सिस, करेक्ट। तो मैं लेट्स से यहां पे बोल देती हूँ कि यार ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ लेट्स से बना रहा है गामा, तो अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा और गामा क्या बुलाते हो आप इसको, डायरेक्शन एंगल्स फॉर वेक्टर ओपी, करेक्ट। अब यार ये यूनिक होते हैं क्यों, क्योंकि आपने एक बार ही वेक्टर बोल दिया ये है,
तो उस पोजीशन में वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट स्टेज यूनिक, करेक्ट। अब इन्हीं के अगर मैं कॉस ले लूँ, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो ये हो जाते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस, यानी के डीसीज, डायरेक्शन कोसाइंस यानी के डीसीज। यस, सबको समझ में आ रहा है? अब इन्हीं को यार हम लोग क्या बुला लेते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में L बुला लेते हैं, इसको हम शॉर्ट में M बुला लेते हैं, इसको हम शॉर्ट में N बुला लेते हैं। आई एम नॉट गेटिंग इन टू द डेरिवेशन, लेकिन यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुम्हारा आता है, विच इज़ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसको ज़रूर नोट कर लो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। आई होप ये चीज़ हमको क्लियर हो गई है एवरीबडी। ठीक है जी, तो यार ये डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट अपने को चमक गया होगा, राइट एवरीवन, है ना? ओके, सुपर। अब यहाँ पे ज़रा समझे, यही चीज़ यहाँ पे आपको बता दी गई है। तो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन एंगल्स क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी मुझे मिल गया, ये भी मुझे पता चल गया कि आपके डायरेक्शन एंगल जो है वो 0 से 180 के बीच में ही लाए करते हैं, यानी उसके बियॉन्ड नहीं जाते। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ो। ये वाला कंपोनेंट मैं अभी क्यों छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये जब 3D ज्योमेट्री आएगा तब हम पढ़ेंगे। ओके, चलो, आई नो नेहा मैम आप थ्योरी थ्योरी पढ़ाते जा रहे हो, सवालों पे कब आओगे? आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा बेटा, तो थोड़ा सा वेट करो। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गया, 100, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस मतलब वाई 0, z 0 ना, वैसे y एक्सिस का 010 एंड z एक्सिस का 001, ये डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ, कई बार डायरेक्टली यूज होके काम आते हैं। दूसरी चीज आपकी जो है डायरेक्शन रेशियोज, अब ध्यान से देखना, यही सेम चीज ना अगर आज अभी सीख लेते हो तो 3D ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज यही है। यस, 3D ज्योमेट्री की पहली एक्सरसाइज यही है, समझ रहे हो तुम? कूल, ओके, अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसी भी वेक्टर के, ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा है, एंड मैंने कोई भी 3 रैंडम नंबर उठाए, एनी 3 जो यार ये प्रोपोर्शनैलिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं, एल बाय ए, एम बाय बी, एन बाय सी, देन इन दैट केस आप ए बी सी को बुलाते हो डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, एंड ये यूनिक नहीं होते, दे आर नॉट यूनिक, क्यों? क्योंकि मैं इसकी जगह ये डाल दूं माइनस ए माइनस बी माइनस सी, रेशियो तो मेरा तब भी सही रहा है ना, मैं इसका ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस, देखो ओवरऑल ना ये रेशियो सेम रहना चाहिए, एज लॉन्ग एज ये चीज हो रही है बस बढ़िया है, समझ में आ रहा है? बस बढ़िया है फिर तो। ओके, वंस वी हैव ऑल दिस, अब मेन चीज आती है तुम्हारी कि यार अगर मैं आपको एक वेक्टर दे दूं, ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनना, मेरे पास यार कोई भी वेक्टर मुझे दिया हुआ है लेट्स से, अब यहां पे दो बातें होंगी, या तो ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, या ऑब्वियसली ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर तो ये यूनिट वेक्टर है ऑलरेडी, तो इन दैट केस बच्चों आपका ए बी और सी डायरेक्टली आप इनको डायरेक्शन कोसाइन ही बुला सकते हो, डायरेक्टली एल एम एन की जरूरत नहीं है, यही अपने आप में इनके कोफिशियंट्स जो हैं वो डायरेक्शन कोसाइन्स होते हैं। बट इफ इट इज अ नॉन यूनिट वेक्टर, इस केस में ए बी सी यानी जो कोफिशियंट्स हैं वो कहलाते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज, समझ में आ रहा है? वो कहलाते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज, गॉट इट? लेकिन आप बोलोगे नेहा मैम डायरेक्शन रेशियो तो पता चल गया, मैं डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालूं? कैसे निकालोगे? आपने नॉन यूनिट वेक्टर को यानी कि यूनिट वेक्टर बनाना है, क्योंकि जैसे यूनिट वेक्टर वो बना उसके कोफिशियंट मुझे आंसर दे देंगे, मानते हो कि नहीं, है ना? यानी के तो मतलब जो अभी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ आज काम नहीं आएंगे, जब हम 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना उसकी भी बिगिनिंग बिल्कुल यही है। ठीक है, अच्छा, यानी के सपोज मुझे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ एक वेक्टर दिया हुआ है मुझे
2i cap minus j cap plus 5k cap. Obviously, आपको देख के ही पता चल रहा है यूनिट वेक्टर तो नहीं है. तो सबसे पहले जो इसके कोफिशियंट्स है 2, minus 1 एंड 5, दे आर द डायरेक्शन रेशियोज. अब अगर मैं आपको बोलूँ नहीं नहीं आपको तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं इस सवाल में, तो आप क्या करोगे? आपने इसको यूनिट वेक्टर बनाना है. यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं? बिंगो, आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जरा सबके सब इसी वक्त चैट सेक्शन में आग लगाओ. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा आपका 4 एंड 1 5 एंड 25, सो रूट 30. ठीक है, रूट 30 जो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये आप अगर इसको 3 से डिवाइड कर लो, है ना, वैसे 2 से भी अगर कर लो तो ये तो सब ये रूट 30 ही रहेगा. लेट इट बी एज इट इज. तो यानी आपका डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे? फिर आपने हर एक कंपोनेंट को इससे डिवाइड कर देना है. सिंपल. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर क्या होगा? ये हो गए. अगर आपको ये चीज चमक गई है तो एक बार जरा एक प्यारा सा अपना फेवरेट वाला स्माइली बना दो इन द चैट सेक्शन. ठीक है, अपना फेवरेट वाला स्माइली बना दो इन द चैट सेक्शन अगर ये चीज सारी चमक गई है तुम्हें तो. गॉट इट? छोटी सी चीज है लेकिन काफी दमदार है, काफी यूजफुल है. राइट, अब आपकी जो वेक्टर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो कुछ बस आपसे सवाल पूछती है कि यार ये वेक्टर है कि स्केलर है. ठीक है, और किस टाइप के वेक्टर्स हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है. ये सेक्शन फॉर्मूला वगैरह पे मैं बाद में आऊँगी, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड है. तो जीरो वेक्टर बोले तो अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन होना नहीं है. अरे भैया, जो जीरो है वो तो एक पॉइंट ही बन गया ना, वो ना कहीं से शुरू हुआ ना कहीं पे ख़त्म हुआ. समझ रहे हो? अरे क्या बात है, बच्चों की स्माइल आ जाती है तो दिन ही बन जाता है ना, अमेजिंग. तो अरे तब समझ लो, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, मैग्नीट्यूड भी जीरो. यूनिट वेक्टर हमने पढ़ लिया है जिसको ए कैप की तरह डिनोट करते हैं. अब आ जाओ कुछ कुछ वर्ड्स पे. को इनिशियल वेक्टर्स यानी कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट सेम है. ठीक है, जैसे कि मैं ये बोल दूं ये ऐसे कोई वेक्टर्स हैं, सपोज मान लो ए बी ए सी ए डी, तो तुम समझ गए हो इन्हें बुलाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स. अब मैं यही को टर्मिनल वर्ड यूज कर लेती तो अगर वर्ड में को टर्मिनल यूज कर लेती तो यानी ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे जाके खत्म हो रहे हैं, इनका फाइनल पॉइंट सेम है. राइट, अमेजिंग. चलो अब कोलिनियर या पैरेलल, एक वेक्टर हैविंग सेम और पैरेलल, सेम या पैरेलल. अब यहाँ लाइन ऑफ सपोर्ट लिखा है उसका मतलब क्या है? या तो आप मान लो कि सेम ही वेक्टर है या फिर पैरेलल ही चल रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में. ठीक है, सो मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या है वो उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. राइट, ऐसे केस में यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट तुम्हारा बनकर आता है जो 3D में फिर से यूज होगा. अगर मैं बोल रही हूँ ए एंड बी आर कोलिनियर यानी कि बी इज लैम्डा टाइम्स, जहाँ लैम्डा कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर हो सकता है, बी इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, या उल्टा भी बोल सकते हो ए इज सम कॉन्स्टेंट टाइम्स वेक्टर बी, यानी उसका मल्टीपल है. गॉट इट? अब कोप्लेनर इस पे मैं बाद में, एक्चुअली अब इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें क्योंकि कोप्लेनारिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आता है या फिर 3D के प्लेन्स में आता है. CBSE वालों के लिए वो दोनों कट चुकी हैं चीजें. समझ रहे हो? ओके, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है लेकिन डायरेक्शन जरा उल्टा हो गया. तुम घर से स्कूल जाते हो, लेट्स से आप 5 किलोमीटर कवर करके जाते हो. अब स्कूल से घर आ रहे हो, आपने बोल दिया -5. कोई असली में -5 थोड़ा कर रहे हो, आप सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहे हो कि भैया आने में मतलब डिस्टेंस उतना ही है लेकिन मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ. ठीक है, तो यानी कि अगर एक वेक्टर मेरे को दे रखा है, लेट्स से 2i माइनस j कैप प्लस k कैप, और मैं इसका बोलूं कि यार नेगेटिव निकालो, तो इट इज -2i कैप प्लस j कैप, मतलब पूरे उसका नेगेटिव कर दिया, पूरे उसका नेगेटिव कर दिया. या ओके,
अब ये तो मैं सिर्फ फटाफट तुम्हें ग्लांस थ्रू करा रही हूँ. इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को इक्वल कब बुलाओगे? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, जब उनका डायरेक्शन भी सेम है. करेक्ट, ओके. चलिए, एंड इस केस में क्या करते हो आप? अगर मैंने दो कंपोनेंट फॉर्म में मुझे वेक्टर्स दे रखे हैं, जैसे कि ये वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, तो मैं बोल दूं ये ए और बी कब बराबर होंगे? जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ए वन बी वन के बराबर है, ए टू बी टू के बराबर है, ए थ्री बी थ्री के बराबर है. सिंपल है ना, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, राइट? ओके, परफेक्ट. चलिए अब आते हैं आपके अलजेब्रा ऑफ टू वेक्टर्स पे, जिसके अंदर एडिशन एंड एडिशन लॉ बेसिकली सीखने वाले हैं. एंड आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो कुछ खास है ही नहीं, ठीक है, फिर भी अगर आप ओपन करके देखना चाहते हो तो वो मैं बात कर लूंगी तुमसे. आप अगर यहाँ पे सिलेबस भी देखो, ये बेसिक बेसिक चीजें तुमसे पूछी गई हैं. एंड आपको देखो, आपको लग रहा होगा कि नेहा मैम तब से थ्योरी 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 पढ़ाए जा रही है ना, क्या ही हो रहा है यहाँ पे. तो जरा आप देख लो कितने कॉन्सेप्ट तुम एक्चुअली पढ़ चुके हो, क्योंकि खास ज्यादा है नहीं इस चैप्टर के अंदर. देखो, वेक्टर स्केलर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये सारे के सारे हमने कवर कर दिए हैं. पोजिशन वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर. अब इतना कुछ कवर करने के बाद अब हम आए हैं एडिशन पे और मल्टीप्लीकेशन पे, राइट? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ये सारी चीजें करेंगे हम. आर वी रेडी बच्चों? या आर वी रेडी? चलिए, तो मैं एक बार ही आपको ब्लैंक स्लाइड पे ले जाती हूँ. नोट से भी ग्लांस थ्रू कर लेंगे, लेकिन जो भैया एक प्लेन ब्लैक बोर्ड पे पढ़ने का मजा है वो कुछ और ही है, राइट? तो एडिशन में यार आप लोग, अरे कितना गंदा है रे, रेड से कौन लिखता है? हाँ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में ना हम दो चीजें सीखते हैं. देखो, दो लॉज हैं, हो सकता है तुमने सुना हो. कोई फिजिक्स का बच्चा है उसने तो वो 11th में ही वेक्टर कर लेता है. तो सबसे पहला है आपका ट्रायंगल लॉ, ठीक है, उसके बाद है आपका पैरेललोग्राम लॉ. ओके, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इफ आई कैन, अब ध्यान से सुनना, मैं दो वेक्टर्स को अगर टू कंसेक्यूटिव साइड्स, ऐसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, पहली बात तो दोनों कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, मतलब आजू बाजू की ही है, ठीक है, एंड दूसरी यहां पे एक्चुअली सारी आपस में ऐसे होती है और एक सेम ही ऑर्डर फॉलो कर रही है. मतलब आप यहां देख रहे हो ना, ये दोनों की दोनों ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं, करेक्ट? तो इसका रिजल्टेंट, वर्ड रिजल्टेंट को समझो, एडिशन को या सम को हम लोग रिजल्टेंट भी बुलाते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट भी बुलाते हैं. किससे होता है? आपकी थर्ड साइड से आता है. तो मैं यहां पर ना जरा इसकी, इसका नामकरण कर दूं, ए बी सी है. तो आपका जो ए बी, यानी मतलब डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, बी ए ए सी, आपका जो तीसरी साइड है उससे उसका आंसर आएगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो ये वाला है यार जो बी सी आपको दे रहा होगा. सी बी मत लिखना, डायरेक्शन मैटर करता है यार वेक्टर्स में. यस एवरीबडी, ये चीज समझ में आ गई है? ट्रायंगल लॉ यही कहता है कि अगर दो साइड्स इन अ सर्टेन ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रही है आपके दो वेक्टर्स, तो उसका सम, उसका रिजल्टेंट, ठीक है, उसका एडिशन थर्ड साइड डिनोट करेगी. एंड पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है? कि अगर दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट समझते हो ना, आसपास, मतलब अगर ऑपोजिट डाल दूंगी वो एडजेसेंट नहीं रहेगी ना, मतलब ऐसी जो सेम ही उससे ओरिजिनेट हो रही हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स को इनिशियल हैं, ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट ऐसे में, तो ऐसे केस में इनका रिजल्टेंट देता है इनका डायगोनल विच इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. तो मैं अगर इसको कंप्लीट कर दूं एंड इनको अब नेम कर दूं, ठीक है, तो ये जो AD है ये आपको A प्लस बी देगा. क्या मुझे दोनों लॉज समझ में आ गए हैं बच्चा? यस और नो? दोनों लॉज समझ में आ गए हैं, ठीक है. अब इन पे आगे जाने से पहले ना, क्योंकि थ्योरी 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 बहुत हो गई है, अभी थोड़ा सा थोड़ी सी प्रैक्टिकली करते हैं. तो एक क्वेश्चन दे रही हूं तुम लोग को, उसको ट्राई करो जरा.
अरे कहाँ गया, ये रहा एनसीईआरटी। तो 10.1 अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें प्रैक्टिकली कुछ खास नहीं है। वो आपसे बता रहा है यार कि स्केलर बताओ, वेक्टर बताओ, ठीक है, वही सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी ये छुटपुट सी, मतलब हार्डली 3-4 मरियल से क्वेश्चंस हैं, कुछ है ही नहीं। आप सेकेंड एक्सरसाइज पे एक बार ही आओ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए देने वाली हूँ कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे ज़रा ट्राई करो। ये सब मैं करने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग वी विल डिस्कस बच्चा। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 10.2 पे आओ। एंड मेरे लिए यार तुम लोग कुछ सवाल अभी अभी करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइमर चलाने वाली हूँ, अपना टाइमर आएगा, ठीक है। एक तो आपने यार मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर बी का और वेक्टर सी का, चलिए ये काम कीजिए। एंड दूसरा सवाल आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो ये मैंने सर्कल आउट करे हैं तुम्हारे लिए, जरा इसको स्टार्ट करो और मुझे आंसर करके बताओ। चलो साथ साथ मेहनत करोगे तभी तो बातें बनेंगी ना। कम ऑन माय आर्मी, लेट्स गो। कम ऑन, आंसर मिला या नहीं जल्दी बताइए। अच्छा, सो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आई थिंक वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल के बैठे हैं। थोड़ा भाई अपने आप भी तो मेहनत हो, है ना, जो सीखा है ज़रा उसको अप्लाई तो करें। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो गया तुम्हारा, 2 स्क्वायर, यहाँ से -7 स्क्वायर, यहाँ से -3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 49 + 9, तो 49 और 13 तुमने बेसिकली करना है, विच इज़ 59 + 4, विच इज़ √63। यस, √62 या 63? √62 मैम। हाँ देख, मेरे को टाइम दो थोड़ा सा, आई लाइक टू सी क्या कह रहे हो। ओके, दिस इज फाइन, √62। एंड यहाँ पे आई थिंक बच्चों को देख के ही पता चल रहा है 1/3, 1/3, 1/3 आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 1। गॉट इट, आई थिंक ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो गई है, यस और नो? ठीक है, चलिए ओके। एंड यहां पे अगर हम 5th क्वेश्चन पे आए, यहां पे ये स्केलर एंड वेक्टर, अब इनिशियल पॉइंट दे रखा है, फाइनल पॉइंट दे रखा है, करेक्ट। तो जैसे मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हमने सीखा था फाइनल माइनस इनिशियल, सो -5 -2, यहां पे यार -7 आ रहा है, एंड 7 - 1 6 आ रहा है। तो अगर आपने स्केलर कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं तो आप लिखोगे -7 और 6, ठीक है, अगर आपने स्केलर लिखने हैं, ठीक है। अगर आपने वेक्टर लिखने हैं तो आप लिखोगे -7i कैप एंड 6j कैप। k कैप कुछ है ही नहीं तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे,
कभी भी यहाँ पे कोई तो बच्चा लिखने की कोशिश कर रहा है कि -7 आए +6j, नहीं ऐसे नहीं लिखते, कॉमा कॉमा डालकर आप कॉम्पोनेंट्स लिखते हो, ठीक है, कॉमा कॉमा डाल के लिखते हो, प्लस माइनस करके नहीं लिखते, राइट एवरीबडी, ये चीज क्लियर हो गई? ओके एवरीबडी, चलो एक मिनट, ओके बच्चों एक सेकेंड, राइट दिस इज सॉर्टेड, चलो अब मेरे को सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स निकालना है क्वेश्चन 6 में। अब मेरे से नहीं कहीं पूछा गया कि भैया ट्रायंगल से निकालूं या पैरेललोग्राम से निकालूं, ना मेरे को सिर्फ पूछा गया फाइंड द सम, तो मुझे कैसे करना है ए बी और सी का सम। देखो बॉस, अब मैंने क्या किया, मैं तुम्हें क्यों क्वेश्चंस पे डायरेक्टली ले आई, क्योंकि यार मैं चाहती हूँ ये चीज़ें तो तुम खुद एक्सप्लोर कर लोगे ना, कि आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो एक ही बात है, आप ए प्लस बी प्लस सी को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो एक ही बात है। सो इफ आई हैव टू गेट द सम, मैं सारे आई कॉम्पोनेंट्स को एक साथ, तुम्हें यार अगर मैं सम ले रही हूँ, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी आप कॉम्पोनेंट वाइज करोगे ना, आई माइनस टू आई प्लस आई, तो ये तो भैया जीरो आई क्या हो गया, लिख लो, ठीक है स्किप मत करो, लिख लो -2j +4j -6j, तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज गोइंग टू बी -8 +4, सो -4j क्या के 6 -7, चमका, सबको चमक गया आंसर क्या आ रहा है, -4j कैप -k कैप, हलवा है बिल्कुल यार ये तो, राइट हलवा हो गया ये तो, मानते हो कि नहीं, चलिए सुपर, अभी तक जो हमने पढ़ा है बस वही अप्लाई कर रहे हैं, 10.2 पे पहुंच चुके हैं, बोला है ना बहुत ही मजेदार चैप्टर है, तुम्हें नंबर ऐसे दिला के जाएगा। इनफैक्ट आज मेरा प्लान क्या है कि ना 10.1 से 4 तक तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ ना मैं कुछ तुम्हारे सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाली हूँ। ओके अब मैं आपको पूछूँ, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हो आप, ओरिजिनल वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो एंड देन यू डिवाइड इट विद दिस, तो एकदम छोटू सी बात, क्वेश्चन 8 करते हैं, ऐसे वन मार्कर आते हैं छुटकू पुटकू। आप लोग चाहते हो, देखो बुक 1 के ना हम चैप्टर्स ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो आपको दिख जाएगा tinyurl जो इस वक्त पिंड है ना tinyurl.com/12withnehamam पे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स बुक 1 के, सिर्फ एक रिलेशन फंक्शंस एंड इनवर्स को रह गया है तुम्हारा, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है बस 3D LPP प्रोबेबिलिटी, उससे ये सीरीज हो जाएगी खत्म। एंड इसके बाद हम लोग अगर आप चाहते हो PYQ सीरीज पे चले जाएं, सो यू हैव टू कमेंट दैट, बेटा पेपर पास आ रहा है जल्दी से लग जाओ बच्चों, ठीक है चलिए लेट्स टारगेट क्वेश्चन नंबर 8। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ, अब PQ दे रखा है लेकिन PQ वेक्टर नहीं दे रखा, सो हम वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, याद रखना फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो 4 - 1 3i कैप, 5 - 2 3j कैप, +3k कैप, करेक्ट ओके। अब मैग्नीट्यूड PQ का लिया, वो कितना आ गया, आप क्या कर रहे हो 3 square, 3 square, 3 square, है ना, तो ये क्या आ गया 3 times, एक तरीके से आपका 9 आ गया है ना, 9 9 9, तो 3 times 9 यानी कि √27, जिसको आप 3√3 भी बुला सकते हो, करेक्ट। अब आपसे पूछा है इसका यूनिट वेक्टर करो, तो फिर इससे डिवाइड कर दो, तो PQ को टोपी पहनाओ, जैसे लोग हमें पहनाते हैं, हम PQ को टोपी पहनाएंगे, ठीक है, डन, ये चीज समझ में आ गई है सबको, यस और नो, दैट्स इट बच्चा, यही काम करना है, तो यानी आप इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/√3 i कैप +1/√3 j कैप +1/√3 k कैप, समझ में आ गया, तो लिख डालो KDS हो गया, यानी कि किल डेड स्लॉटर्ड, करेक्ट एवरीवन, चलो बहुत बढ़िया, ये चीज हो चुकी है। अब यहाँ क्वेश्चन 10 पे आओ, देखो मैक्सिमम सवाल हम लगा के ही जा रहे हैं साथ साथ,
सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. क्वेश्चन 10 जरा सीखो, समझो. मैं एक बारी टाइमर ऑन कर रही हूँ तुम्हारा, बताओ इसको कैसे करोगे. क्वेश्चन 10, एवरीबडी थोड़ी खुद भी तो मेहनत करी जाए. कम ऑन आर्मी. Yes, 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 come on. Everybody. यस, डन डन डन, सुपर्ब. तो यहाँ पे बच्चे मुझे लिख रहे हैं कि मैम हम डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे और फिर उसको मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दे रखा है. क्या बात है, स्मार्ट पीपल है ना. तो आपने बिल्कुल बिंदास, आई एम सो हैप्पी बच्चों कि तुमने पकड़ लिया इसे, तुमने एकदम करेक्ट पकड़ लिया इसका क्या एग्जैक्टली होने वाला है. तो इफ़ आई कॉल दिस एज लेट्स से वेक्टर ए है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा. पहले उसके लिए यार आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ना. तो ये आ जाएगा 5 square. कई बच्चे कह रहे थे मैम स्टेप वाइज बताया करो क्या करना है. तो बेटा ये स्टेप्स ही तो हैं. अभी होगा ही क्वेश्चन तुम्हारा एक या दो नंबर का, इससे ज़्यादा स्टेप क्या करोगे है ना. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे 25 + 1 = 26 एंड वो √30. ठीक है, तो आपका ए कैप आ चुका है. ठीक है, 5 / √30 आई कैप -1 / √30 जे कैप +2 / √30 के कैप. ये चीज़ आई थिंक हमको क्लियर हो गई है, करेक्ट. इसके बाद आपसे पूछ लिया गया है कि यार वेक्टर पता लगाओ जिसका मैग्नीट्यूड 8 है. तो वेक्टर बी क्या हो गया, 8 times a कैप. बस 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, बात बन गई. सुपर माय आर्मी, मजा आ रहा है कि नहीं. देखो कितनी कितना सिंपल सा लग रहा है ना. अब आप बताओ अगर ऐसे ही हल्के फुलके, अगर ऐसे ही हल्के फुलके सवाल मिलते रहे तो सच में नंबर हम लेके आएंगे, राइट एवरीवन. चलिए ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और क्वेश्चन ही नहीं आएंगे. आएंगे आएंगे, वेट करो. अच्छा क्वेश्चन 11, आई एम ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम ताकि हम सबको क्लैरिटी रहे. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11 बताइए. शो दैट दीज वेक्टर्स आर कोलीनियर. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दिस आंसर माय आर्मी. शो दैट दीज वेक्टर्स आर कोलीनियर. कोलीनियर का मतलब, कोलीनियर का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो. तो आप यार देखो, अगर आप इसको ए बुला दो लेट और इसको बी बुला दो, आपको नहीं लगता कि वेक्टर बी इज जस्ट -2 times वेक्टर ए. लो हो गया, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप यार. हलवा ही है ये, और कुछ है ही नहीं. खा लो फिर इसे फटाफट. बेटा जो पोल का तुम रायता फैला रहे हो ना, ऐसे मत करो. अगर तुम 50-50% रखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा नेहा मैम के लिए सेशन प्लान करना. ऐसे मत करो यार. अच्छा एक मैंने कल वीडियो डाली थी 13 शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स की, चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स की, जो आपसे पूछे जा रहे हैं पिछले 10 साल के पेपर्स के एनालिसिस के बेस्ड पे. क्या आप उस पर एक एक्सक्लूसिव सेशन चाहते हो कि यार उन टॉपिक्स के ही अभी तक पिछले 3-4 सालों में जो जो क्वेश्चंस आए हैं, या और भी पीछे जाना चाहते हो तो कैसे करें उसको सॉल्व. मतलब इफ़ यू वांट दैट सेशन डू लेट मी नो, है ना. चलिए ये हो गया है. ओके नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर. अब देखो वेक्टर तुमको देखने से ही पता चल रहा है इट्स नॉट अ यूनिट वेक्टर. ये ऐसा सवाल मैं करा चुकी हूँ तुम्हें, है ना. ये क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको ए ले लिया तो सबसे पहले तो यार आपको पता है कि ये जो 1, 2, 3 हैं ये वो तो नहीं है, ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है.
सो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिया, वो हो जाएगा 1 + 4 + 9, तो √14, ठीक है। तो यानी कि आपका वेक्टर ए कैप हो चुका है 1 / √14 प्लस 2 / √14 प्लस 3 / √14, दैट्स इट, दैट्स इट। दोस्तों, देवियों और सज्जनों, यही तो है जो सारी फसाद की जड़ है। 1 / √14, 2 / √14 एंड 3 / √14, यही तो है डायरेक्शन कोसाइन हमारे प्यारे प्यारे, ठीक है, प्यारे प्यारे, करेक्ट, सुपर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सिंपल। चलिए क्वेश्चन 14 पे आते हैं। 15 के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा, विच वी विल लर्न। पहले अभी क्वेश्चन 14 पे आ जाओ। और इस एक्सरसाइज में अगर तुम सोच रहे हो कितने सवाल हैं, 19 सवाल है, 19। सो भैया 14 पे तो आ चुके, आप समझ रहे हो ना, बस वही समझाना था। चलिए क्वेश्चन 14, शो दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू दीज एक्सेस। कुछ चीज़ें होती हैं मैथमेटिकली इंक्लाइंड एंड कुछ होती हैं इक्वली इंक्लाइंड। यार अगर आज मैं सोचती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने मैथमेटिकली इंक्लाइंड नाम क्यों रखा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब क्या उसके पीछे फंडा था, तुम्हें क्या लगता है? वैसे मतलब आपको पता है इस चैनल का नाम मैंने कितनी बार बदला शुरुआत में, है ना, कभी नेहा अग्रवाल रखा, कभी नेहा अग्रवाल मैथ रखा, कभी नेहा मैथ रखा, कभी मैथमेटिकली इंक्लाइंड रखा, फिर फाइनली नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड रखा, समझ रहे हो तुम, क्यों हुआ ऐसा पता नहीं। एनीवे, शो दैट दीज वेक्टर्स आर इक्वली इंक्लाइंड, अच्छा, टू दीज एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड मतलब जो आपके डायरेक्शन एंगल्स हैं अल्फा बीटा गामा। सुमित, आप क्वेश्चन 11 भी करोगे, कोई स्टेप्स रिक्वायर्ड नहीं है, आप बस इतना ही लिखोगे, वो एक मार्क का ही क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। चलो, ये हमें शो करना है कि इक्वली इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप इसको कुछ नाम दे दो, लेट्स से आर दे दो, लेट वेक्टर आर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट, ओके। मुझे नहीं पता इतनी बार मतलब मेरे दिमाग में क्या आया जो नाम ही बदलते गए। शुगर है आर्यन का नाम आर्यन फर्स्ट टाइम रख लिया, और ना उस बेचारे का क्या ही होता। एनीवे, सो अगर मैं बोलूँ लेट अल्फा बी द एंगल विच वेक्टर आर मेक्स विद ओ एक्स, ठीक है, लेट बीटा बी द एंगल विच आर मेक्स विद ओ वाई एंड लेट गामा, लो जी स्टेप्स देख लो कैसे करने वाले हो आप इसे, ठीक है जी। एवरीबडी, ये चीज़ समझ में आ गई है, ऐसे हमने लिख दिया। अब मुझे शो क्या करना है, अब आप लिखना ही चाहते हो ना, तो टू शो या टू प्रूव, क्या अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, समझ पा रहे हो इसे। चलिए अब इसको करें तो करें कैसे, करें तो करें कैसे, अच्छा, शो दैट दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड, यानी इनका एंगल सेम होना चाहिए। अब मुझे इतना तो पता है कि अगर इसे इक्वली इंक्लाइंड होना है तो एक तो यार मैं इसको एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट से बेटर कर पाऊंगी, इसको डॉट प्रोडक्ट से तो हम बेटर कर पाएंगे क्योंकि हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं, करेक्ट। इसके अंदर देखो आपको ये पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, ये चीज पता है कि नहीं, या अब इसके अंदर मुझे यानी कि जो आर मेक कर रहा है इसके साथ मुझे यह लगता है इस क्वेश्चन को ना, हाँ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, तो आप सही कह रहे हो। अब कई बच्चे इसको कह रहे हैं कि यार इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो अगर मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिया तो वो क्या हो जाएगा, 1 square + 1 square + 1 square, समझ रहे हो ना, तो वो तो √3 हो जाएगा। अब उससे कैसे प्रूव करोगे, उससे कैसे प्रूव करोगे, इससे बेटर है मुझे क्या लगता है कि इस क्वेश्चन को ना हम आपके 10.3 के बाद करें, क्योंकि उससे cos अल्फा cos बीटा cos गामा आप बड़े आराम से निकाल पाओगे। यस अगर आपको लगता है कोई और बेटर मेथड है तो आप बता सकते हो। हाँ, अरे √3 तो आ गया, लेकिन उसका क्या करोगे,
OX के एक्चुअली अगर आप देखो तो क्या इसके डायरेक्शन कोसाइन्स होंगे, 100. अच्छा रूट थ्री तो बच्चे कह रहे हैं, लेकिन रूट थ्री का करोगे क्या बेटा, समझो आप बोल रहे हो बेसिकली ये जो वेक्टर है ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड रूट थ्री है, जिसका मैग्नीट्यूड रूट थ्री है, इट इज मेकिंग एन एंगल कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा थोड़ा है रूट थ्री, समझ में आ रहा है? तो इसको रादर व्हाट आई वुड डू इज मैं इसको तब करूंगी जब यहां पे मैं यहां पे इसको थोड़ा सा 10.3 के बाद करने वाली हूं, रादर मैं यहां पे अब ये यूनिट वेक्टर ओके इफ यू वांट टू क्रिएट, चलिएगा ये बच्चे कह रहे हैं नहीं मैम हम यूनिट वेक्टर क्रिएट करके करेंगे, तो अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड तो ले चुके हो आप, यानी कि वेक्टर आर आपका हो गया 1/√3i, 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप, तो ऐसे भी कर सकते हो, यूनिट वेक्टर बन चुका है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्टली दिख रहे हैं LMNN 1/√3, तो आप बोल सकते हो कि ये इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यू कैन डू दैट, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो ठीक है। एनीवे अब आगे जाने से पहले सबसे पहले तो देखो मैं नोट्स ओपन कर रही हूँ वापस से ताकि तुम्हें पता चल जाए कि भैया अभी तक हम क्या क्या कर रहे हैं। वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव है यानी a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ एक ही बात है, एसोसिएटिव है यानी a प्लस बी प्लस सी करूँ, या मतलब यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ कि इस सब का मतलब क्या है, ये सब हम कर चुके हैं क्या कॉम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी करूँ या b प्लस ए करूँ एक ही बात है, एसोसिएटिव मतलब मैं ए और बी को सी के अंदर ऐड करूं या बी और सी को ए के अंदर ऐड करूं एक ही बात है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब मैं क्या वेक्टर ऐड करूं कि सेम ही आ जाए, तो आप बोल सकते हो जीरो वेक्टर, करेक्ट। ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज मैं यहां लिखती जा रही हूं, एंड अगर मैं बोलूं एडिटिव इनवर्स क्या करूं मैं ए के अंदर उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दूं किसी भी ऑर्डर में, तो मुझे यार उसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है वो, गॉट इट, ये चीज क्लियर आ गई है ना, ओके परफेक्ट। कंपोनेंट फॉर्म देखो मैंने एडिशन का तुम्हें पहले ही बता दिया था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कौन सा नई बात होगी, कुछ भी नहीं, जो आप कॉम्पोनेंट्स एड कर रहे थे अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। नाउ द केस बिकम्स, अब आपको लग रहा होगा सेक्शन फॉर्मूला कहाँ है, सेक्शन फॉर्मूला इस नोट्स में पहले ही दिया हुआ है मैंने, ये देखो अब इसके अंदर भी कुछ नया नहीं है, जो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला आपके स्ट्रेट लाइन्स में करते हैं ना, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। क्या अगर यार अब आपको यहाँ पे समझना, आपको आप ऐसे लगा लो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं हवा में कहीं, इसका जब मैं ए और बी ऐसे करके लिखती हूँ ना, इसका मतलब क्या होता है कि ओ से यानी कि ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर ये है, एंड मैंने यार एक पॉइंट ले लिया है कहीं इनके बीच में, लेट्स से कहीं सी जिसका पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर सी है ठीक है, और मुझे पता लगाना है कि ये बेसिकली सी के कॉम्पोनेंट्स क्या होंगे, लेट्स से दिस इज डिवाइडिंग इट इन द रेशियो एम इज टू एन, तो जैसे कि नेहा मैम हर बार बोलती हैं, तुम भी लिख दो एक बार चार्ट सेक्शन में क्या लिखोगे क्या लिखोगे, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस लिख दो सबके सब एक बार ही ना, दिल को करार आया, समझ रहे हो ना, एक बार लिख दो क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, क्यों, क्योंकि आप क्रिस क्रॉस ही मचाते हो, M को उसके ऑपोजिट क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हो, N को उसके क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हो, अपॉन M प्लस N कर देते हो, दैट्स इट, ये हो गया इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, है कोई मुश्किल, ठीक है कोई मुश्किल नहीं ना, अच्छा एंड एक्सटर्नल डिवीजन में सेम चीज होती है, यानी कोई बाहरी प्राणी, यानी कि अगर जैसे ये ए बी दे रखा है मुझे एंड आप इसको एक्सटेंड करके सी निकाल रहे हो, ये अगर एम एस टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो सेम होता है बस विद द नेगेटिव साइन। एक्चुअली हम क्वेश्चन लगा के देखते हैं, ये देखो सी सी ए एस, वाह बच्चे शॉर्ट फॉर्म बनाने में तो बस क्या ही बोले हम, ये क्या आ गया, अरे सैम्पल पेपर ओपन कर लिया, कोई ना यहाँ पे आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो 15th को, How would you do it, guys? How would you do it? Let's see.
नायम ये कौन सा सॉस है भाई, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, ठीक है, हुज पोजिशन वेक्टर्स आर ऐसा ऐसा। सो पी एंड क्यू लेट्स से ऐसे हैं पॉइंट्स आपके, राइट, ये दिए हुए हैं आई ए प्लस टू जे माइनस के कैप, एंड यहाँ पे दे रखा है माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप इन द रेशियो 2:1 विच डिवाइड्स द टू पॉइंट्स इन द रेशियो 2:1, राइट। तो आपने यार इस आर को फाइंड करना है, मतलब बेसिकली समझ जाओ, ये सब ड्रॉ करने की, वैसे नहीं भी करोगे चल जाएगा। ओ पी ओ क्यू दे रखा है आपको, ओ आर के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, फटाफट से बता दो क्या होगा इसका आंसर। तो एक बारी फिर से दोस्तों, सी सी ए एस यानी कि क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस होते हुए, तो क्या करोगे आप, टू के साथ उसका ऑपोजिट माइनस ए प्लस जे प्लस के कैप, प्लस वन के साथ आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप अपॉन टू प्लस वन, ठीक है। तो माइनस टू प्लस आई, सो माइनस आई कैप, टू जे प्लस टू जे प्लस फोर जे कैप, एंड यहाँ आ जाएगा टू के कैप माइनस प्लस के कैप बाय थ्री। गॉट इट? यस एवरीबडी, ये चीज चमक गई है। यहाँ के ना अरे नाम न लो पर कुछ तो कहो, हल्का सा कोई इशारा तो दो, ठीक है, दैट्स इट, समझ में आ गया। और यही अगर आपने एक्सटर्नल डिवीजन की हम बात करते तो इसकी जगह माइनस कर देते, इसकी जगह माइनस कर देते, दैट्स ऑल व्हाट यू हैड टू डू, ठीक है जी, हो गया, नाइस, ओके। आई थिंक ये कर लोगे, मिड पॉइंट मांग रहा है वो, तो वही करोगे, टू प्लस फोर सिक्स बाय टू यानी थ्री आई कैप, उसी तरह से करोगे, ओके ओके। आई थिंक यहाँ पे देखो 18th क्वेश्चन को एक बार, थोड़ा सा मज़ेदार है, एमसीक्यू की भी फील देगा आपके सामने। यार टाइमर लगा रही हूँ छोटा सा, मतलब एक्चुअली तो एक मिनट ज़्यादा ही है, बट कोई बात नहीं, बताओ मुझे 18th क्वेश्चन कैसे करोगे, मैं हट जाती हूँ। कम ऑन माय आर्मी, लेट्स सी इसमें से क्या ट्रू है क्या फॉल्स, मतलब व्हाट इज नॉट ट्रू, है ना, उसने यही पूछा है, व्हाट इज नॉट ट्रू। लेट्स सी, ध्यान से देखो यहां पे क्या क्या दे रखा है मुझे, ओके पहला वाला कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज जीरो, बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है ना, आपका ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, यानी कि अगर आप इसे लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी माइनस वेक्टर ए सी, एंड माइनस वेक्टर ए सी इज द सेम एज सेइंग प्लस सी ए, तो ये तो यार ट्रू है, ये ट्रू है तो ये आंसर नहीं हो सकता, राइट। अरे क्या बात है, बहुत सारी जनता सी आंसर देते हुए, क्या बात है बच्चा, चलिए आगे आए, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, ये ए बी प्लस ए, ये तो सेम ही बात हो गई ना, तो ये भी ट्रू है इसलिए गलत है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, ये तो सेम ही नहीं हो गया, अरे अरे ये कोई टाइपिंग एरर है क्या भाई, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, अरे ये तो सेम ही चीज़ लिखी हुई है, सी कैसे कह रहे हो, सी तो सेम ही चीज़ है ऊपर वाली, कुछ अलग है क्या इसमें, तो मेरी आंखों को क्यों नहीं दिख रहा, मेरी आंखों को क्यों नहीं दिख रहा, अगर कुछ डिफरेंट है तो। डी पे आते हैं एनीवे, ए बी प्लस सी ए, तो यहाँ पे यार इसी ए बी ये हो जाएगा प्लस सी ए, एंड इसको अगर मैं माइनस सी बी कर दूँ, मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, ये ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस बी सी,
अच्छा, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा सी बी, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी ट्रू है भाई। बी और सी में कोई फर्क तो है नहीं, है बुक में भी ऐसा ही है। अरे बुक में ऐसा ही है तो सी कैसे दे रहे हो, है ना? हाँ, ये मतलब कुछ तो और होना चाहिए इसका। बुक में शायद सारे बच्चे कह रहे हैं आंसर सी है, वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब यहाँ कुछ तो मिसप्रिंट है, मतलब कुछ तो, या तो यहाँ पे माइनस सी ए दिया होगा, कुछ तो ऐसा दिया होगा। चलिए, ऐसे केस में ना यार अटेम्प्ट जरूर कराना तुम्हें नंबर मिल जाए ताकि पूरे, या चलो यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, इसको बताओ ध्यान से देखो, इसके बाद तो यार बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट आ रहे हैं दो तुम्हारे। ए बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। भाई साहब, इस चीज में बहुत वो करना, बुक में सी ए है। अच्छा, ए सी और सी ए बराबर नहीं होते बेटा वेक्टर में। अरे आता माजी सटक ली, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए सेम नहीं होते हैं वेक्टर में, उल्टी डायरेक्शन में होते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन, मतलब आप घर से स्कूल जा रहे हो या स्कूल से घर आ रहे हो, सेम बात नहीं है ना, डायरेक्शन उल्टे हैं, चाहे मैग्नीट्यूड सेम कवर कर रहे हो, समझे? ओके, चलिए यहाँ क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। ये तो करेक्ट है, ये तो आपकी डेफिनेशन ही है, ठीक है? तो मतलब ये करेक्ट है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता इसका। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन कोई ऐसे 100% नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% सही हो। तो यानी ये एक तो आंसर हो गया, जरूरी नहीं है। रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये भी बिल्कुल घटिया बात है, दे आर प्रोपोर्शनल। बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, अरे बिल्कुल भी नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। तो यानी इसके करेक्ट आंसर बी सी डी तीनों ही गलत हैं, तीनों ही गलत हैं, इसलिए तीनों का ही आपका आंसर है। क्या अजीब सी बात कर दी नेहा मैम। एनीवे, चलो आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे आ रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स आपके सिलेबस हिचकी आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है? एनीवे, तो जो है उसको पढ़ ले, जो है उसको तो पढ़ लें कम से कम। देखो बेटा, तुम लाइक नहीं बढ़ाओगे तो फिर मैं शेयर कैसे करूँगी ये चीज़ें? ये यार बहुत मेहनत करके मैंने ये खुद टाइप करी है एक एक चीज़, समझ में आ रहा है? ये सब हो चुका है। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है? तो मैं इसको ना थोड़ा सा ब्लैंक शीट पे पढ़ाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुम क्या मानते हो? राइट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो यार इसमें दो तरह के आते हैं तो मेरे को बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसे ना डिफ्रेंशिएट हम बचपन में करते थे, याद आ गया? हाँ याद आ गया होगा। सबसे पहला हम कर रहे हैं यार जिसको हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अरे स्केलर, डॉट प्रोडक्ट या हाँ मतलब कह सकते हो स्केलर प्रोडक्ट। क्या करते हो आप इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट के अंदर? बेसिकली आप बोलते हो ए डॉट बी क्या होता है? अब कुछ पॉइंट्स हैं, फटाफट से हम इसको लिख के आगे बढ़ेंगे। ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है? जहाँ थीटा, जैसे ऐसे आपके दो कोइनिशियल वेक्टर दिए हुए हैं, ये एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो ये डेफिनेशन तुम्हारी आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ए डॉट बी स्केलर मतलब मुझे एक नंबर आंसर में मिलता है, एक वैल्यू मिलती है। यस, ओके। सेकेंड चीज में हम आते हैं, जैसे हम कहते हैं कॉम्पोनेंट वाइज, जैसे अगर ए तुम्हारा लेट्स से दिया हुआ है ए वन आए ए टू जे कैप ए थ्री के कैप, कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है? वेक्टर बी दिया हुआ है हमें बी वन आए कैप बी टू जे कैप बी थ्री के कैप, तो ए डॉट बी बोले तो दिस इज गोइंग टू बी क्या? आप कॉम्पोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हो ए वन बी वन ए टू बी टू एंड यहाँ पे ए थ्री बी थ्री। ये सुनो, चीज़ें समझ में आ रही हैं? ये क्वेश्चंस करेंगे तो और मज़ा आएगा, भरपूर मज़ा आएगा, लेकिन पहले अभी हम यहाँ
इसको डॉट प्रोडक्ट को समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट उस पर आऊँ तो ए डॉट बी अगर ज़ीरो हो एंड वेक्टर ए और वेक्टर बी वैसे नॉन ज़ीरो हैं, नॉर्मली जो हम कहते थे ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ज़ीरो, यानी इधर वन इज इधर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो और बोथ आर ज़ीरो, इसमें हमने कहा दोनों नॉन ज़ीरो हैं। इस केस में क्या होगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो ज़ीरो नहीं है, कॉस थीटा ज़ीरो है, कॉस थीटा ज़ीरो यानी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। यार दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, तो इसमें टू स्टार मार लो, ठीक है जी, इसके अंदर ना जरा टू स्टार मार लो। यानी ये उल्टा पुल्टा दोनों दोनों चलता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है यानी उसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, राइट। इसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं ए डॉट ए, तो आप उसे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, समझ लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस ऑफ ज़ीरो हो जाएगा ना, ए डॉट ए मतलब आप सेम ही वेक्टर जो आस मतलब बिल्कुल सेम ही वेक्टर्स को आप आपस में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो उनके बीच का एंगल तो ज़ीरो है ना। इसी के बेसिस पे जल्दी से मुझे बताओ I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K की वैल्यू क्या होगी, क्विकली इन द चैट सेक्शंस पीपल, कम ऑन माय आर्मी। कम ऑन माय आर्मी, गो गो गो। दिल को करार आया पहले पहले बार आया, कम ऑन एवरीबडी। बिल्कुल ठीक, वन, क्योंकि ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। अरे ये क्या हुआ, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर हो जाएगा ना, जो हर केस में वन ही है, करेक्ट, क्योंकि वो तो वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है ना, एंड यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन ही होता है, राइट। अच्छा इसी के बेसिस पे अब आई डॉट जे, राइट, या जे डॉट के या के डॉट आई, अब देखो ये आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि आई कैप मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे कैप मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड के कैप मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो इस केस में यार ये ज़ीरो होते हैं क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दिस ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो एक ही बात है, अरे मुन्ना एक ही बात है, राइट एवरीवन। अब इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरप्रिटेशन है वो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी ज्योमेट्रिकली ये क्या बताता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो आपको बताता है प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे मैं एग्जांपल कई बार ले चुकी हूँ, आप किसी मूवी हॉल में जाते हो तो जो पीछे से लाइट प्रोजेक्ट होकर वो आपकी पूरी स्क्रीन पे स्प्रेड हो रही होती है तो वो जो स्क्रीन की लेंथ है वो प्रोजेक्शन कहलाती है, करेक्ट। तो उसी तरह से यहाँ पे लेट्स से एक वेक्टर है, वेक्टर ए मान लो हमने प्रोजेक्ट किया है वेक्टर बी के ऊपर, राइट, ये सॉरी सेम मतलब को इनिशियल होते हैं ना, एक मिनट कैसा एरो है जी। अब यहाँ से अगर मैंने किया ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये जो आपका ये वाला डिस्टेंस आया ना बेटा, ये डिस्टेंस लेट्स से इसको मैं ओ अगर बुला रही हूँ, इसे बी इसको ए, तो ओ बी जो है ये तुम्हारा प्रोजेक्शन है एंड डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में यू कैन राइट दिस एज, अब ध्यान से सुनना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर पूछा है तो आप लोगे ए डॉट बी, जो भी ऑन होता है ना वो उसका मैग्नीट्यूड इसके बेस में आ जाता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। एंड अगर मैं आपको बोलूं बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो आप बी डॉट ए करो या ए डॉट बी करो वो तो एक ही बात है, अपॉन जो भी ऑन वाला होता है वो मैग्नीट्यूड में आ जाता है, तो ये डिस्टेंस मिलता है उससे, ठीक है।
समझ में आई ये चीज़? तो यार ये तुम्हारा बेसिकली पूरा डॉट प्रोडक्ट है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो अब आप यहाँ से देखो, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है यार, इट्स फाइन। ये सब जेई वालों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो जितना आपके लिए रेलिवेंट है बस उतनी ही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्रोजेक्शन भी बता दिया है। चलो अब आते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करी जाए। अब ये देखो, ए डॉट बी प्लस सी को आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, ये बड़ी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, है ना, कोई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हो आप मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो एंड ऑल दैट। प्रोजेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला, ओके, एक 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 चीज़ थी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, अच्छा छोड़ो उसको, तो हम फटाफट अभी क्या करते हैं, अभी मैं आती हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। एंड यहाँ से यार इस चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको कभी भी निकालना होता है ना, वो डॉट प्रोडक्ट के कॉस थीटा से निकालते हो आप, एंड यही कॉन्सेप्ट आपका 3D ज्योमेट्री में भी यूज होने वाला है, करेक्ट। तो यहाँ पे ज़रा आ जाइए, 10.3 ओपन कर लिया है, तो आप मुझे एंगल ज़रा पता करके बताओ। क्वेश्चन वन, ठीक है बच्चा, चलिए एक मिनट का टाइमर हम चला रहे हैं। क्वेश्चन, अरे 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 बाबा बाबा, हाँ फटाफट से बता दो क्वेश्चन वन का आंसर, सबके सब में चाहती हूँ, सब के सब चैट सेक्शन में लिखें। चलो चलो चलो, जल्दी बताओ मुझे। 45 degrees बच्चे कह रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अच्छा निकाल लिया 45 degrees, ओहो लेट्स फिगर दिस आउट। क्या कह रहा है वो, ओहो सब कुछ ही दे रखा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ए डॉट बी तो यार रूट सिक्स है, ये दोनों क्या है रूट थ्री एंड टू। अच्छा इसको आपने सोचा होगा ना रूट थ्री रूट ऐसा, ओहो ये तो बिल्कुल ही चवन्नी का क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल, दैट्स इट, थीटा पाई बाय फोर आ चुका है, या सुपर। इसी तरह देखो एंगल, अच्छा अब यहाँ पे मैं फिर से एक मिनट दे रही हूँ तुम्हें, मदहोश दिल की धड़कन, यहाँ देखिए जरा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, मतलब मैं तो करवाऊंगी लेकिन जो खुद करके एक खुशी होती है उस खुशी को ही प्राप्त करें, एवरीबडी लेट्स डू दिस, कम ऑन माय आर्मी। ओके okay.
लेट्स सी कितने बच्चे से कर रहे हैं। ओके, प्रोजेक्शन ऑफ दिस, देखो मैंने कहा था ना ऑन ध्यान रखना किस पे जा रही है प्रोजेक्शन, तो यानी आप क्या बोलोगे, प्रोजेक्शन ये है करेक्ट। अरे कुछ बच्चे 60/√14 लिख रहे हैं, कुछ जीरो लिख रहे हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, आंसर तो एक ही होगा। देखिए जरा ए डॉट बी, तो यहाँ आ जाएगा 7 - 3 + 7 = 56 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बेटा जी होने वाला है 49 + 1 + 64 दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा 60 बाय, आई थिंक जो 60/√114 कह रहे हैं ना वही सही है। सुपर, दैट्स इट, इतनी सी तो है बात, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। कर लिया सबने, है ना, इजी था ना, बहुत बढ़िया। ओके अच्छा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो अब हम ईच को तो नहीं दिखाएंगे, हम एक को भी दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ सबके साथ। तो कह रहे शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ओके वो तो आप शो कर ही दोगे, ऑल्सो शो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इन्हें, अरे अरे अरे, आप इन्हें आपस में, जैसे इन दोनों को आप डॉट प्रोडक्ट लेके देखोगे, है ना, तो 1/7 का तो कोई खास रेलेवेंस है नहीं, उसने तो 1/49 ही होना है। यहाँ क्या होगा 2 × 3 = 6 - 18 + 12, तो आप इसको कैसे दिखाओगे, लेट ए बी दिस, लेट वेक्टर ए बी दिस, लेक्टर वेक्टर बी बी दिस, ठीक है, तो आप करोगे ए डॉट बी, जीरो है तो यानी ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इस वर्ड म्यूचुअली का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू, बिटवीन टू, तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, ऐसे ऐसे करके चेक करते हो आप। डन, ये चीज़ समझ में आ गई है सबको, है ना, एवरीबडी, आई होप दिस इज सुपर डूपर क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कम ऑन माय आर्मी, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कैसे होगा। उसने कहा फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर ये सब दे रखा है मुझे, यहाँ पे मुझे एक बच्चे का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वो आ रहा है, मैम सीधा सीधा बता दो आप, कैन यू टेल अस कि वेदर जे इज इन जनवरी और जे इज इन JEE का पेपर इज इन अप्रैल। बेटा यही तो मस्त सवाल है जो तुमने पूछा है। देखिए सर बच्चे पूछ रहे हैं, सीधा सीधा बता दो मैम कि JEE का पेपर जनवरी में है कि अप्रैल में, अब मैं क्या जवाब दूँ सर, सीधा सीधा जवाब क्या आप दे सकते हैं? मैम कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं दे सकता सीधा जवाब, ना यहाँ कोई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चांसेस देखो कुछ नहीं आ रही है, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है भाई, एनटीए को कुछ तो टाइम चाहिए ना एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब दिस इज व्हाट वी फील कि अब क्योंकि इतना पास आता जा रहा है कि मुश्किल लग रहा है कि जनवरी में, मतलब अगर मिड ऑफ जान में होगा तो कैसे होगा, कैसे अरेंजमेंट होंगे, कैसे लॉजिस्टिक्स वर्क करेंगी, अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया, मतलब है ना आर्यन, कुछ ओपन ही नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन, बट बाकी वी कैन नॉट से, नो वन कैन से। हाँ जी, पढ़ लिख कर क्या करना है जब एक दिन तो मरना है, आप थोड़ी एंटरटेनमेंट करो ना, लाइफ इज फॉर फन, मेरे चैनल पे आओ और बहुत सारी नई एंटरटेनिंग वीडियोस देखो, ये पढ़ाई के बाद क्या है, ये क्या है बेटा, ये कौन सा मस्ती वाला मोड है, मतलब ये किसने सिखाया इसको सर कि पढ़ लिख के क्या करना है जब एक दिन मरना है। हाँ, लाइफ इज मेड फॉर फन यार, मुझे लगा आप अपना होमवर्क कर रहे थे। होमवर्क कर रहा था, टीवी देख रहा था। तुम टीवी देख रहे थे, मैं तो तुमको होमवर्क करना लगा के आई थी। होमवर्क तो 10 घंटे पहले हो गया था। आप टीवी पे क्या देख रहे थे आर्यन? हैरी पॉटर 4। हैरी पॉटर 4,
आपने तीन देख ली हैं, ये देखो जरा, मतलब बता रहे हो आप क्या? इन्हें तो सिर्फ सॉर्टिंग हैट फर्स्ट मूवी तक देखी है। अरे भाई साहब, तीन हैरी पॉटर की किताबें भी चाट चुके हैं आप, पढ़ चुके हो तीनों बुक्स। एंड इसकी स्पेशल रिक्वेस्ट ये भी आई है कि अब 4, 5, 6 भी लाई जाए जल्दी। वो देखो, वो तीन तीन किताबें चाट चुके हैं भाई साहब। अच्छा, स्पेशली मंगवाई भी गई हैं। ये देखो, ये खा चुके हैं, ये बुक्स पढ़ चुके हैं। और सो कॉल्ड, मतलब कई बार ये पकड़ी होती है और फिर बोलते हैं मैं री रीड कर रहा हूँ, री रीड। राइट, तो आप क्या बोल रहे हो कि पढ़ लिख के क्या है, तो एंटरटेनमेंट करना है, तो एंटरटेनमेंट के लिए कहाँ जाएं बच्चे? मेरे चैनल पे। यहाँ क्या कर रहे हो आप, मुझे सेशन करने दो ना एंटरटेनमेंट, अभी मैं कोई बल्ले बल्ले की वीडियो लगा देता हूँ। अच्छा, तो अभी आर्य ये कह रहे हैं कि भाई मेरे चैनल पे जाओ और पढ़ लिख के आपने क्या करना है। आर्यन, तो आर्यन के चैनल पे आप पढ़ लिख के देखो, बहुत कुछ करना है लाइफ में, लेकिन आर्यन के लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के होम पेज से जाके कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स हैं एंड काफ़ी फनी चीज़ें हैं जो आई एम श्योर आपको मज़े आएंगे देख के। ये आर्यन ने क्या लगा दिया है, आई थिंक आर्यन आप ना वी कैन सी योर सम अमेजिंग शॉर्ट्स है ना जो आर्यन आजकल डाल रहे हैं, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्चर्स हैं, चैलेंजेस हैं या फिर वीडियोस हैं। सर, वीडियोस में आपकी कौन सी पर्सनल फेवरेट है? मैं, मेरी पर्सनल फेवरेट तो योगा वाली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज़ योगा वाली भी काफ़ी अच्छी है। ओके, सो यहाँ पे फ्लाइंग टैक्सी वाला एक ज़रा ग्लिम्स देखे, यहाँ तो सच्ची में ही दुबई आ गया है। एनी वे, ओके, एग्जैक्टली। अब बच्चे भी बोल रहे हैं मैडम पढ़ाइए, आप बेटा जाओ, आप कोई नया डायलॉग सीख के आओ। ये बहुत पुराना हो गया, बोल तमाशा करके आओ, अपनी लाइफ भी कर लाओ। चलो बाय बाय, चलो आ जाओ बेटा। हाँ, बच्चे कह रहे हैं मैम हम तो वेक्टर्स पढ़ने आए थे, ये हो क्या रहा है। चलिए, ओके, थैंक यू आर्यन, बाय गॉड, ये बच्चे एनीवे। चलो अरे, अपनी हैरी पॉटर तो ले जा बेटा, मैंने थोड़ा पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ी आज तक ये, आपने पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके बताओ। सर, आपने पढ़ी है हैरी पॉटर की बुक्स? ना, मैंने कभी नहीं पढ़ा। चलो आ जाओ, ओके आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। बेटा हम वापस फोकस करते हैं, मुझे तो लगता है जब से चैनल पे एक बार मैंने उसको दिखा दिया ना, अब उसको फ्री लाइसेंस मिल गया कि अरे ये तो अपना ही चैनल है, कभी भी आ जाओ। चलो आ जाओ, ओके, तो यहाँ पे यार मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है जब ये चीज़ दे रखी है एंड ये चीज़ दे रखी है। सो लेट्स फिगर आउट, सबसे पहली बात, अब आप समझो यहाँ पे, आप इसको डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखोगे, ठीक है? अगर आप मेरे से पूछते हो ना कि बोर्ड्स में यार स्टेप्स कैसे दिखाते हैं, तो आप वो गलती बिल्कुल नहीं करोगे। रादर आप इसके स्टेप्स कैसे दिखाओगे, आप इसको ओपन करके दिखाओगे, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, अरे एक मिनट, हाँ, माइनस बी डॉट बी इक्वल टू 8। नाउ यू आर गोइंग टू से क्योंकि ए डॉट बी एंड बी डॉट ए बराबर होते हैं, बिकॉज योर डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। सो आप बोलते हो सिंस ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर इक्वल, तो भैया ये ऑपोजिट साइन के ये दोनों भाई साहब कट जाएंगे, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, करेक्ट? ये चीज़ समझ में आ रही है मुझे? अब मेरे को क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये है, तो यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आ गया 8 बाय 63, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया है आपका रूट 8 बाय 63,
और मैग्नीट्यूड ऑफ 8 आ गया है 8√8/63. ठीक है, आई होप दिस इज डन. यस और नो, ये समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ही छोटू सा सवाल लेकिन बढ़िया सवाल. यू नो, चिपके रहो यहाँ पर क्योंकि 10.4 भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद आपके, मैं सोचूं सैम्पल पेपर के भी थोड़े क्वेश्चंस की झलक दिखला जा एक बार, आचा आचा आचा, समझ रहे हो? वो भी करने वाले हैं. ओके कूल, तो ये हो चुका है. देखो एंगल बिटवीन दिस, अब बहुत सिमिलर तुम्हें ये क्वेश्चंस लगने लगेंगे. ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन भी सिमिलर ही है. ओके जरा टेंथ सवाल करते हैं, आप पढ़ लो, मैं फिर ब्लैंक आपको शीट पे लेके पढ़ाऊंगी इसको. यस, 63 टाइम्स मैग्नीट्यूड भी. कम ऑन माय आर्मी, कम ऑन. चलिए यहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा, हम थोड़ी सी एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं. क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है वो? वेक्टर ए बी सी मुझे दिया हुआ है, सो वेक्टर बी हियर एंड वेक्टर सी हियर, सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी. ठीक है, ये सारी चीजें मुझे गिवन है एंड मुझे टू फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ लैम्डा. गॉट इट राइट? चलिए तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये बहुत काम की चीज दी है. इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज जीरो. अब तुम्हारे एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से पहले आता है कॉन्सेप्ट स्केलर प्रोडक्ट का, यानी मैं स्केलर एक क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि हर एक कंपोनेंट को कर रही हूँ. राइट, सो लेट्स डू दिस. दिस मींस आपका वेक्टर ए विच इज 2i + 2j + 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी जो एक्चुअली आपका हो जाएगा माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2λj कैप प्लस लैम्डा के कैप. ठीक है, डॉट वेक्टर सी 3i + j इज जीरो. अब आपने यार यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है. करेक्ट, समझ में आ रहा है सबको? परफेक्ट. तो यहां पे क्या हो जाएगा, पहले तो आप देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हो. पहले 2λ इनको आप यार जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में ले लो. 2 एंड लेते हो ये 2 + 2λj कैप. ठीक है, प्लस 3 + λk कैप. ठीक है, इसको डॉट 3i + j कैप इज जीरो. अब एक चीज का यार ध्यान रखो, वो चीज क्या है बेटा, ध्यान ये रखो कि i डॉट j या j डॉट k बेसिकली कोई भी दूसरे कंपोनेंट से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो दे देगा. तो आप सिर्फ i वाली टर्म को i से करो. करेक्ट, यानी कि This implies 2 - λ × 3 j के साथ क्या आ रहा है, प्लस 2 + 2λ × 1 k के लिए तो यार कोई है नहीं, इज जीरो. सो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, 6 - 3λ प्लस 2 + 2λ इज जीरो, यानी के दिस इज 8 - λ इज जीरो. बिंगो, लैम्डा यार 8 आ गया है. यस और नो, लैम्डा अपना 8 आ गया है, आ गया है कि नहीं? अच्छा तुम लोग जरा मेरे को कमेंट करके बताओ कब है तुम्हारा प्री बोर्ड,
जो बच्चे प्री बोर्ड के लिए इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हैं. कम ऑन माय आर्मी. यस यस एग्जैक्टली सुपर्ब. तो यार ये तुम्हारा क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया. चलो तो 10th क्वेश्चन हमने कर लिया है. अब यहाँ पे दे रखा है शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस. यार ये ओके. क्वेश्चन 13 पे आते हैं. अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन 13 करने के लिए तैयार हो? यस अनु. 15th December कल है, 12 को है. अच्छा अच्छा तो दूसरे चल रहे हैं क्या अभी आज? तो मैक्सिमम मुझे लग रहा है 15, 16, 17 को है. ओ भाई साहब, यानी काफ़ी ज़बरदस्त पढ़ाई होने वाली है 15, 16, 17 को. इज इट बच्चों, ऐसा है क्या एवरीबडी? चलिए ठीक है ठीक है, कोई ना, आ जाओ फिर. ओके सो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 13th क्वेश्चन को हम करने वाले हैं. इसको यार से काफ़ी ज़बरदस्त स्टेप्स वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना. एनसीईआरटी आपकी 10.3 का क्वेश्चन नंबर क्या था? देखो क्वेश्चन नंबर ही भूल गई मैं, 13th है ना. क्या बोल रहा है वो? ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, कौन गिरा? अच्छा पेंसिल. यानी ये चीज मुझे गिवन है. ओके सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो एंड हमें टू फाइंड क्या करना है? यार आप में से कितने बच्चे चाहते हो कि हम एक बारी सैम्पल पेपर सच्ची सच्ची बताना तुमने सॉल्व कर रहा है? आप में से कितने बच्चे चाहते हो कि हम जो CBSE का सैम्पल पेपर आया है उसे सॉल्व करें? आई थिंक मैं एक पोल भी लगाती हूँ कि कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं हम CBSE का सैम्पल पेपर भी सॉल्व करें आपके प्री बोर्ड से पहले ही. चलो ये आपको फाइंड आउट करना है, तो फिर आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं, है ना. चलिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू? यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दे रखा है. वैसे केस में आप क्या करने वाले हो? आप एक तरीका तो है, देखो आप ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी ऐसे कर सकते हो, है ना. राइट ऐसे कर सकते हो. अच्छा अब आप अगर इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर ले लो, होल स्क्वायर मतलब टेक्निकली आप ये काम कर दो. होल स्क्वायर लेने का मतलब ये है, ठीक है. या फिर आप इस तरह से, एक मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ, आप ना इसकी जगह ऐसे करो. अगर ये बराबर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, या तो इनके होल स्क्वायर भी बराबर होंगे. यस अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो. मैं देखो ये हर एक स्टेप बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है. माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाएगा, करेक्ट. अच्छा अब आप यहाँ क्या करोगे, इसे ओपन करो. मैंने बोला है ना कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं करेंगे. यार 1 मार्क का क्वेश्चन है तो अलग बात है, वो फाइनल आंसर ही देखने वाले हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी सवाल स्किप नहीं करेंगे, ठीक है. मतलब कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करोगे, 2 मार्क का, 3 मार्क का, 5 मार्क का, जो भी क्वेश्चन आ रहा है. ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू सी डॉट सी. ओके तो यहाँ पे आपको पता ही है यार ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा. अब बी डॉट ए और ए डॉट बी तो सेम है ना, तो 2a डॉट बी. इनफैक्ट आप इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इससे ज़्यादा क्विक वाला मेथड बताती हूँ. रुको इसको इसको करने के लिए ना एक क्विक वाला मेथड बताती हूँ. आप ना पहले ही इसका अगर आप मैग्नीट्यूड कर दो, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, इससे बहुत जल्दी आएगा सवाल. उसमें यार ज़्यादा लंबा पड़ रहा है, क्योंकि एक बार माइनस सी को लेके जाओगे, एक बार माइनस बी को उस तरफ लेके जाओगे, एक बार माइनस बी माइनस ए को, ना ना
दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मेथड. तो आप यहाँ पे आ जाओ, ऐसे कर लो, वुड बी क्विकर. एक ही बार यार आप इसको ओपन करो. तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बना दो, प्लस ए डॉट बी एज इट इज, प्लस ए डॉट सी एज इट इज. अब आ जाओ बी डॉट ए, प्लस बी डॉट बी पे आओगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बना दो, प्लस बी डॉट सी बना दो. इसके बाद सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर बना दो. चलेगा ऐसे? इट्स गोइंग टू बी सुपर फास्ट. ठीक है, ओके. अच्छा, अब एक बार तुमने ये काम कर लिया, अब आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, भाई ये तो वन दे रखा है, तो ये पहले ही थ्री आ गया. प्लस यहाँ देखो, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है ना, ए डॉट सी और सी डॉट ए एक ही बात होती है, लाइक वाइज ये, यानी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो. यानी कि मिल गया हमको आंसर, मिल गया. डन. जो मैं पहले मेथड कर रही थी आ तो उससे भी ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता वो, हमको फिर किसी को भी मजा नहीं आता. पर इससे आई थिंक काफी तुमको समझ में आएगा कि काफी जल्दी से कर रहे हो आप इसको. डन डन डन, है ना? दिस इज सॉर्टेड, दिस इज सॉर्टेड बच्चों. चलिए सुपर. तो ये चीज भी हो गई है. अब थोड़ा सा आगे आएंगे. ओके, थर्टींथ हमने यहाँ कर लिया है. वो फिफ्टींथ देखो, इफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ये, देन फाइंड एंगल ए बी सी वेक्टर्स से, वेक्टर यूज करते हुए ए बी सी फाइंड करो. यहां देखो जरा, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन टू मी. ठीक है, उसने कहा है एंगल ए बी सी पता लगाओ, और साथ ये भी बोल दिया है एंगल ए बी सी एक्चुअली बी ए और बी सी के बीच का एंगल है. तो बी ए और बी सी के बीच का एंगल तुम क्या फाइंड नहीं कर सकते? इतने तो नहीं कर सकते यार तुम, कम ऑन यार. ये देखो, यानी कॉस थीटा बेसिकली क्या है, तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. अरे आप ये तो कॉस थीटा डायरेक्ट ही निकाल रहे हो ना, तो आप ऐसे कर सकते हो ए बी डॉट बी सी, रादर बी ए लिखो भाई, बी ए अपॉन इनके मैग्नीट्यूड. ब्लैंक शीट भी ले जाऊं अगर यहां लग रहा है खिचड़ी सी पक गई है, खिचड़ी सी पक गई है. ठीक है, तो आई थिंक एक ब्लैंक शीट पे ही लेके जाती हूं तुम्हें. क्वेश्चन 15 10 पॉइंट थी. देखो मैं जितना आराम आराम से करा सकती हूँ आई एम डूइंग इट, आई एम नॉट रशिंग एट ऑल. ठीक है, ताकि हर बच्चे को समझ में आए यहाँ पे. सो आपको फिर से एक बार बता दूँ, ए बी सी के बीच का एंगल निकालना है यार, जहाँ पे दे रखा है बी ए और बी सी के बीच का ये बेसिकली एंगल है. करेक्ट, तो हमने बोला कॉस थीटा इज बी ए डॉट बी सी अपॉन देयर मैग्नीट्यूड्स. यानी सबसे पहले तो इसके अंदर आपको ये वेक्टर्स क्रिएट करने होंगे. करेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, आपको ए के वर्टेक्स दिया है 1 2 3, बी हैज बीन गिवन एज -1 0 0 एंड सी हैज बीन गिवन एज 0 1 2. राइट, है ना? ये समझ में आ रहा है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बी ए यानी के, अब देखना फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 1 -1 सो 2i कैप, 2 -0 2j कैप, प्लस 3k कैप. करेक्ट, बी सी, सी पहले 0 -1 -i कैप, 1 -2 -j कैप, 2 -3 -k कैप. समझ में आया? यस और नो? ठीक है, अब आप लेते हो बी ए डॉट बी सी. अब तो यार डायरेक्टली लिखो ना फिर, 2 into, देखो अगर बहुत ही स्टेप्स तुम्हें लिखने हैं तो फिर ऐसे लिख दो, एंड ऑफ कोर्स आई एम राइटिंग देयर मैग्नीट्यूड्स. तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 9, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1. दैट्स इट, कर सकते हैं इसको.
यस और नो? सो यहाँ से आ जाएगा माइनस टू माइनस टू माइनस फोर एंड माइनस फोर एंड माइनस थ्री. सो मॉड ले लो यार, सेवन अपॉन क्या आ रहा है आंसर आपका? कॉस थीटा है सेवन बाय, ये तो है रूट सेवनटीन एंड ये है रूट थ्री. तो थीटा आ जाएगा आपको कॉस इनवर्स ऑफ सेवन बाय रूट फिफ्टी वन. डन? यस और नो? जल्दी से बता दो बच्चों. टेन बाय रूट वन जीरो टू. अरे ऐसा क्या किया मैंने, कुछ गड़बड़ हुई है क्या बच्चों? अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, मैंने बीसी में इसका ले लिया क्या, जीरो एन वन, सॉरी मैंने एसी ले लिया. अरे यार मैंने एसी ले लिया, सॉरी. बहुत भारी भरकम गड़बड़ कर दी नेहा मैम. एक मिनट यार, इसको दोबारा से लेना पड़ेगा. सॉरी अबाउट दैट. सो ये हो जाएगा टू प्लस टू प्लस सिक्स एंड दिस इज गोना बी फोर फोर. अरे यार इसको क्यों मिटाया, ये तो सही था. ओके सो दिस इज गोना बी टेन बाय, ये तो रूट सत्रह आ ही गया था. सेवन सिक्स, हाँ टेन बाय रूट वन जीरो टू. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. यस यस यस. गलती से मिस्टेक हो गया था बेटा, अब क्या ही बोले अगर मैथ्स टीचर ही ये काम कर रही है तो. चलो कोई नहीं, आई होप दिस इज सॉर्टेड बच्चों. चलिए इसके बाद इफ यू सी क्वेश्चन 18 करते हैं. क्वेश्चन 18 इसके बाद वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करेंगे. इफ वेक्टर ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर इफ. तो लैम्डा यार वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है लैम्डा, लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब बेसिकली इसका मॉड आपको दे रखा है वन. ठीक है जी. एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर इफ. क्या होगा, क्या होगा इसके अंदर? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गिव द आंसर फॉर दिस वन. कमॉन 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 माय आर्मी. आई थिंक यहाँ तो आप इसको डायरेक्टली सेपरेट कर लोगे ना. एंड आपने क्या निकालना है, देन व्हाट विल बी ट्रू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए या ए लिखो, ए की बात है, ई आ गया डी. डन, केडीएस हो गया. यस और नो? अब आगे बढ़ने से पहले जल्दी से बता दूँ तुम लोग को, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है. आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ पे यार आपके लिए tinyurl.com/12withnehamam जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो भी मिल जाएगा, ठीक है. गुनगुन बोल रही है क्वेश्चन 17, यू हैव टू शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो इसके अंदर आप कैसे करोगे यार, इनमें प्रोपोर्शनलिटी दिखा दो, एक ही बात है ना. मतलब वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी निकाल लो, कोई ना कोई वेक्टर तो आपस में, ए बी विल बी इधर सम स्केलर क्वांटिटी टाइम्स बी सी, है ना, ऐसा कुछ होगा एंड आपको आंसर मिल जाएगा. चलिए तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाइज सारे चैप्टर्स जैसे आप देखोगे बुक वन के भी हो चुके हैं, एओडी हो चुका है आपका, इंटीग्रेशन, ये सारा कुछ, एवरीथिंग इज गेटिंग डन एंड 3D भी अब आगे आने वाला है. गॉट इट? बिल्कुल बेसिक्स के साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम लोग सारा कुछ कवर कर रहे हैं. सो बिल्कुल भी मिस मत करो. एक बारी आपकी अब जो ये बचे हुए तीन चार चैप्टर हैं फिनिश होते हैं, इसके बाद हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स ऑल्सो. ठीक है, अब आपके स्केलर प्रोडक्ट पे जाने से पहले, ठीक है,
एंड इसके साथ साथ जो भी जेई के बच्चे हैं, तो आप लोग देखो क्या करो, आप ट्वेल्थ के जो चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, पहले वो ट्वेल्थ विद नेहा मैम की टाइनी यूआरएल से मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर को एनसीईआरटी से अच्छे से तगड़ा कर लो अगर पहले कभी नहीं किया. उसके बाद आप जेई के वन शॉट्स देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको थ्योरी यानी जो एडिशनल थ्योरी भी है वो भी आपको पता चलेगी, उसके साथ साथ कुछ आपके सवाल होंगे. एंड देन फाइनली आपको 2022-21-20 यानी 2020 से 2022 के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, तो उसके लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको यहीं के यहीं मिल जाते हैं सारे के सारे. करेक्ट. एंड यू विल फाइंड माई हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो अंडर एवरी वीडियो. एंड फिर उसके बाद एनटी अभ्यास क्वेश्चंस लगा सकते हो फॉर मोर प्रैक्टिस एंड नए तरह के सवाल. राइट, सो दिस थिंग हैज बीन डन. मतलब मैं पूरे जेई के सिलेबस के हैंड रिटन नोट्स उन्हीं वीडियोस के नीचे दे चुकी हूँ. ये वीडियोस क्योंकि आपका जेई मेन 2023 का सिलेबस इज एब्सोल्युटली सेम एज 21-22, तो कोई पुरानी वीडियो भी अगर आपको यहाँ दिख रही है ना, इट इज इक्वली रेलेवेंट. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसकी शुरुआत करते एक छोटी सी ब्रेक के बाद. ठीक है, सो ये जो आपका वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको लेट अस रिज्यूम आवर सेशन इन हाउ मच टाइम, जल्दी बताइए बच्चों. ठीक है, सो सेशन बिगिंस इन 10 मिनट्स, तो एक 10 मिनट्स की मिनी ब्रेक, एंड उसके बाद वापस से जोर पकड़ेंगे एंड सॉल्व करेंगे आपके क्वेश्चन को. चलो कम ऑन लेट्स गो.
ओके बच्चों, एक बार जल्दी से लिख दो, वी आर बैक, जल्दी से। सो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यूजुअली मुझे कहते रहते हैं कि मैम एक छोटा सा ब्रेक दे दो 5-10 मिनट का, सो वी आर ट्राइंग टू मेक दिस एज अ रेगुलर फीचर कि जब भी आपका यार थोड़ा 2-3 घंटे का सेशन हो तो हम ये काम करें। वी आर बैक, लिख दो फटाफट से एंड लेट अस रीस्टार्ट द मैजिक, ठीक है जी? चलिए, ओके सुपर। तो एक बार मैं क्या करती हूँ यार, आपको ब्लैंक वाली स्लाइड पे लिख देते हैं, ले जाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, या जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हो। अब इसके अंदर भी कुछ चीजें फटाफट से करेंगे एंड देन वी विल गेट बैक टू आवर क्वेश्चंस, ठीक है? सो यहां पे क्या है, सबसे पहली चीज ए डॉट बी जो आप लेते हो, वो आप लेते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा इंटू एन कैप। यार ये एन कैप बहुत काम की चीज है रे मुन्ना, क्यों? एन कैप इज अ बेसिकली यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है जी? बोथ ऑफ देम मतलब एक साथ। तो आप देख पा रहे हो ये एक डायरेक्शन देता है, जैसे ए को आपने बी की तरफ कर्ल किया है ना, सो समझ रहे हो डायरेक्शन, या तो ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है डिपेंडिंग ऑन किस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हो उसे। सो दिस क्लियरली टेल्स अस दैट ए डॉट बी और बी डॉट ए दे आर नॉट इक्वल। In fact, to write it in a better way, it will be that I can say it is negative of that. क्यों? क्योंकि n cap direction का फर्क है, magnitude same रहेगा, direction का फर्क आ जाता है। Okay. Next is component form. तो जैसे अगर मेरा vector ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, and vector b ऐसे दिया हुआ है,
करेक्ट. इफ दिस इज गिवन टू अस देन इन दैट केस बच्चों ए डॉट बी आपका ए क्रॉस बी आप कैसे निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से. सो यहाँ आई जे के है ए वन ए टू ए थ्री एंड फाइनली बी वन बी टू बी थ्री. गॉट इट. ये चीज समझ में आ रही है. यस अनु. चलिए वंस दिस इज सॉर्टेड अब हम आगे भी चीजों को कर रहे हैं फटाफट से. जैसे कि आपका ए क्रॉस ए जो है बेटा ये जीरो होता है क्योंकि थीटा जीरो हो जाएगा एंड इस बार यहाँ पे साइन थीटा होता है. सो रादर मैं क्या कर रही हूँ आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे यानी सेम वाले से जब आप पहले डॉट प्रोडक्ट लेते थे वो वन होता था. ये अंडा है ठीक है रोल जीरो. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है वो क्या सॉरी क्या आई है जे है के. अगर आपसे पूछा है आई क्रॉस जे तो आप नेक्स्ट वाला सॉरी के दे दोगे. अगर आपका जे क्रॉस के दिया हुआ है तो आप आई कैप दे दोगे. करेक्ट एग्जैक्टली साइक्लिक एंड लाइक वाइज. तो यानी यानी हम कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे. ठीक है आप अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आने वाला है. यानी आई क्रॉस जे आपको के देगा जे क्रॉस के आपको नेक्स्ट आई दे देगा के क्रॉस आई आपको जे देगा. लेकिन अगर आप उल्टा गए यानी कि आप समय के विपरीत गए ओके. सो इन शॉर्ट इफ यू गो द अदर वे राउंड सो जे क्रॉस आई आपको नेगेटिव के देगा ये भी नेगेटिव तो एंटी क्लॉकवाइज जाते ही सब नेगेटिव हो जाएगा. वैसे भी आपको पता ही है इसके अकॉर्डिंगली कि अगर आप फ्लिप करते हो तो नेगेटिव साइन तो आना ही आना है. डन. ये चीज समझ में आ रही है. सो मेजरली इट इज अबाउट दिस जो आपसे पूछा जाता है. हाँ आपका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है उसको झटपट से जरा डिस्कस कर लेते हैं. वो क्या कहता है अरे यार ये क्या बच गया क्यों बच गया ये भाई. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे आऊँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वाह क्या उड़ा है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमको देता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समझ रहे हो. एंड मतलब प्रोवाइडेड की ये एडजेसेंट साइड्स हैं तो पैरेललोग्राम की ये एडजेसेंट साइड्स हैं ठीक है. और ऑब्वियसली अगर आपने इसका हाफ कर डाला तो लाइफ हो जाएगी झिंग लाला क्योंकि ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है. क्योंकि पैरेललोग्राम की आप कोई भी डायगोनल जोड़ लो जो आपके ट्रायंगल दो बनते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर तो एरिया उनका सेम होता है. गॉट इट. तो अब हम बस यार इसी के साथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली ताकि बाकी की क्लैरिटी मुझे वहां से मिल जाए. ओके क्वेश्चन पेश किए जाए. अरे ये आपकी एनसीईआरटी है बेटा. अरे रे अरे ये क्या हुआ क्वेश्चन कहाँ गया. ओके 10.4 पे आ जाओ. बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें इनिशियली ऑफ कोर्स आपसे पूछी जाएंगी जैसे कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए और बी आपको ऐसे दे रखे. तो ए क्रॉस बी मतलब कंपोनेंट वाइज निकालोगे जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे राइट. तो फटाफट से यार ये तो देखो गाड़ी तुमको दौड़ानी है अपने आप. ठीक है 1-7 7 3-2 2 गॉट इट राइट. सो जस्ट ओपन दिस तो ये आ जाएगा -14 + 14 अरे अरे भाई साहब ये तो जीरो ही हो गया. माइनस जे कैप के साथ आएगा 2-21 एंड प्लस के कैप के साथ क्या हो गया -2 + 21
ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। बताइए इसका मैग्नीट्यूड तो क्या ही होगा बच्चा, 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर यानी कि 19 रूट टू आ जाएगा। इतनी सी बात है, छोटा सवाल है। चलो साथ साथ करते हैं, डन। केडीएस हो गया, एवरीबडी कूल, ओके। सो आई गेस दिस इज सॉर्टेड, यहाँ कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली हमें। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है देखो, अब यहाँ ध्यान से सुनना। फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ध्यान से समझो, इट सेज यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। अच्छा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है जनाब। तो आइए एक ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, 10.4 का क्वेश्चन 2 वहां पे मचाते हैं। एनसीईआरटी तो क्वेश्चन 2 करते हैं, राइट? क्वेश्चन 2 कर देते हैं। तो मुझे भी यार उस एक्सरसाइज पे जाना चाहिए। हाँ देखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, पहले तो यार वेक्टर ए गिवन है मुझे, वेक्टर बी गिवन है हमें, इतना तो याद है मुझे, ठीक है। अब ए प्लस बी क्या होगा? ओके, सो ए प्लस बी क्या हो गया है आपका 4i कैप प्लस 4j कैप, 0 के कैप हो गया। a माइनस बी क्या हो गया आपका 2i कैप, ये 0 हो गया, प्लस 4k कैप। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग बच्चों, अगर मैं इसको यार c और d ले लूं, नाउ आई वांट अ वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू देम। तो यानी एक तरह से मुझे जो यूनिट वेक्टर मिलने वाला है वो ऐसे मिलने वाला है। आपको अलग अलग से नहीं मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत, आप एक ही बार निकाल सकते हो, है ना? चलो फिर, करो ना करो ना कर दो ना, वो वाला करोना नहीं, ये वाला करोना, ठीक है। सो करोना नहीं करो ना, समझ रहे हो? करो सॉल्व इसे, राइट? चलिए, सो सी क्रॉस डी के लिए यार आप क्या करोगे? आई जे के ऐसे लिखा, 4 4 0 ऐसे लिखा, 2 0 4 ऐसे लिखा, ठीक है। करें आगे इसको, सो ये आई कैप के साथ आ गया यार 16, माइनस जे कैप के, आई कैप के साथ 16, जे कैप के साथ भी 16, अरे वाह, के कैप के साथ ये -8, कूल। सो अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्रॉस डी ले लेते हैं इसी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? सो अब आपका जो भी आ रहा है, अब आप इसको इसके मैग्नीट्यूड के साथ कर दो, क्या ही हो जाएगा? 256 256 64, यार ये वही तो नहीं हो रहा जो मैं सोच रही हूँ, 6 6 12 4 16, नहीं ये तो 512 हो जाएगा, 64 नहीं, मुझे लगा था यार 7 5 12 5 17, अरे 24 आ गया। बस अब आप इससे डिवाइड कर दो, आपका एन कैप आपको मिल जाएगा। कितने बच्चों को ये समझ में आ चुकी है चीज़? एवरीबडी कम ऑन माय आर्मी, 10.4 का क्वेश्चन 2। ठीक है, हो गया। एंड एक चीज है सिर्फ जो मैं बोलूंगी, आपको नहीं पता यार कि ये डायरेक्शनली ऊपर जाएगा या नीचे, तो द बेस्ट वे विल बी कि आप प्लस माइनस दोनों लगा दियो, दोनों लगा दो, ठीक है जी। सो दैट्स इट, दिस विल बी 16 बाय 24 आई कैप
माइनस 16 बाय 24 जी कैप, माइनस 8 बाय 24 के कैप, एंड इसका प्लस माइनस ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पता है 2 बाय 3 इस तरह से लिखोगे. यस दिस इज किल्ड एज स्लॉटर. हो गया कि नहीं हो गया? यस. चलिए सुपर. अगले सवाल पे आते हैं. आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन 5. तो मैं डायरेक्टली उसे बोर्ड पे लिख रही हूँ क्योंकि ऐसे करना वरना मुश्किल हो जाएगा बुक के अंदर. थोड़ा सा कई बार लंबा हो जाता है क्वेश्चन. ओके सो क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं दोस्तों. एंड व्हाट डज इट से? फाइंड लैम्डा एंड म्यू. अगर मुझे ये दे रखा है तो यार लैम्डा एंड म्यू का पता, अरे इक्वल थोड़ा है. चलिए यार तुम लोग देखो लाइक वाइक नहीं कर रहे हो फिर मैं नहीं ऐसे खेलूंगी. ऐसे तो फिर यार मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए ना तुम लोग को पढ़ाने के लिए. ऐसे थोड़ी ना चलता है. अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, क्रॉस प्रोडक्ट है. इजीएस्ट वे क्या होगा, आप इसको ऐसे डाल दो. कॉम्पोनेंट फॉर्म है ना, तो 2627 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू, यहाँ देखो 0 आए, 0 जे, 0 के कैप, क्योंकि वेक्टर है यार राइट साइड पे, है ना. तो बस आपने अब आए क्या आपको 0 से करना है, तो ये आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा 2 म्यू माइनस 27 एंड प्लस के कैप के साथ क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 6. ठीक है, इक्वल टू 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप. ठीक है जी, तो आपने इसको किया वो आ गया म्यू इज 27 बाय 2, लैम्डा को किया तो आ गया 3. दैट्स इट, इट्स डेड, खत्म, खल्लास हो चुका है ये. आई होप हमको समझ में आ गया जैसे कि ओके मैं आपको एनसीईआरटी पे एक बार अब लेके चलती हूँ. ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़े से सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस एक्सप्लोर करने वाली हूँ तुम लोग के साथ. अच्छा ये वाले हमने करे हैं. जैसे अब वो बोलो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस, तो अब आपकी मर्जी है. वैसे तो कुछ भी कर सकते हो. अगर हम उन्होंने यूजिंग वेक्टर्स बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था ना, आप को इनिशियल वाले जैसे ए बी क्रॉस ए सी ऐसे ले लो, इसका हाफ कर दो, ये एरिया हो जाएगा. दैट्स इट, है ना. तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए बी आप ले सकते हो क्या 2 माइनस 1 सो आई कैप, 3 माइनस 1 सो 2 जे कैप, 5 माइनस 2 सो 3 के कैप. एंड ए सी वैक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसको और इसको लेना ना, तो 1 माइनस 1 0 आई कैप, 4 जे कैप, 3 के कैप. बस अब आप इसके क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, मैग्नीट्यूड ले लोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे. ठीक है, सो कर दो, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बच्चों जल्दी से आ जाओ ना. सो ये आई कैप के साथ यार तुम्हारा आ रहा है 6 माइनस 12, जे कैप के साथ आ रहा है 3 एंड के कैप के साथ क्या आ रहा है 4. सो दिस विल बी हाफ ऑफ, वी हैव 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 60, ये 25 है प्लस 36 है, करेक्ट. सो 25 प्लस 36 आप यहाँ पे करके एंड दिस विल बी 61, सो रूट 61 बाय 2, है ना.
रूट 61 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर. और अगर पैरेललोग्राम पूछा होता तो आप दो एडजेसेंट साइड्स लेते एंड वे हाफ नहीं होता, फिर खाली रूट 61 ही हो जाता. हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू. ठीक है. अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन और करते हैं बिफोर आई मूव टू सैम्पल पेपर. जैसे कि 11th है. लेट दीज वेक्टर्स बी गिवन, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ एंगल बिटवीन देम इज क्या. तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको 1 दिया हुआ है. आई थिंक इट्स प्रिटी सॉर्टेड, क्योंकि अब आप यहाँ पे देखो आप क्या करोगे. ठीक है, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को 1 कर दोगे. ठीक है, सो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी करेक्ट इंटू साइन थीटा, जो हमको पता नहीं है पर यही तो पता करना है. लो पाई बाय 4 हलवा हलवा क्वेश्चन है हलवा. ठीक है, यस और नो, ये चीज चमक गई. दैट्स इट. ओके, तो मैं अब आई थिंक मैंने पेपर ओपन करके रखा तो था. हाँ, ये रहा. तो ये यार आपका CBSE वालों का सैम्पल पेपर है, तो इसके अंदर चलिए आइए वेक्टर्स के क्वेश्चंस एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा. क्वेश्चन 3, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी इज गिवन बाय. सोचो कितना हलवू सवाल दिया है उन्होंने आपको. व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर पीपल, क्या दोगे यहां पे. देखो कोइनिशियल होने जरूरी है एंड तो यानी शुरुआत सेम से होगी एंड हाफ होगा तो बी आंसर है. अब अगर आप मेरे से पूछो नेहा मैम इतना सिंपल, तो यार आप अपने आप ही देख सकते हो कि कितना सिंपल सवाल पूछा है उन्होंने एक नंबर के लिए. बी इज द आंसर. मजा आया. तो ऐसे अगर आप चाहते हो ना कि मैं पूरा ही सैम्पल पेपर तुम्हारे साथ सॉल्व करूं, एक बार सारे हम चैप्टर्स कर लेते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. ठीक है, अभी चैट करोगे तो वो मिस हो जाएगी, कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे. अच्छा, ये तो नहीं 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 ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये देखो 8th क्वेश्चन. आइए चलिए 8th क्वेश्चन देखें जरा बेटा. अरे ओ बेटा जी, देखेंगे क्वेश्चन 8. द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर इज, बताओ क्या ही सवाल है यहाँ. दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, तो तुमको अब अगर आप ना देखो स्टेप्स नहीं भी दिखाओगे चलेगा, आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है MCQ में. सो आप वर्बली भी कर सकते हो, 3 × 1 − 2 इधर +6 इधर एंड ऑन वाले का ना मैग्नीट्यूड ले लेते हो आप, 1 + 4 + 9. ओके, सो दिस इज 9, दिस इज 7 गाइस, 7 ना ता 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 इजी वन. तो मेरे को ब्लेम मत करो यार, फिर CBSE को बोलो यार आसान क्वेश्चन दिए हैं, है ना, इजी. चलिए और क्वेश्चन ढूंढो. क्वेश्चन 9 नहीं, 10 नहीं, 11 भी नहीं, लीनियर प्रोग्राम. वाह पापा 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 पापा. ओके, क्वेश्चन 17 आया, क्वेश्चन 17 आया. क्या कह रहा है वो. इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ये दिया हुआ है एंड ए माइनस टू बी आपको फाइंड करना है. ओके, सो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपको जब भी ऐसा मैग्नीट्यूड वाला कुछ करना हो सॉल्व, तो एक सीक्रेट बताती हूँ, आप इसका ना होल स्क्वायर कंसिडर कर लो टू बिगिन विद, क्योंकि फिर वो आपको ना एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि अच्छा मैं क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करूँ. ठीक है, अब आपको पता ही है, देखो ये वैसे आपका 1 मार्कर है, तो आप इतने नहीं भी स्टेप्स दिखाओगे तो वो चल जाएगा. दिस विल बी
ही आ रहा है, तो वैल्यू डालो, 4 आ जाएगा, प्लस 4 टाइम्स 9 आ जाएगा, माइनस 4 टाइम्स 4 आ जाएगा. सो दिस इज 9 4 36 प्लस 40 माइनस 16, तो 24. ठीक है, √24 तुम्हारा आंसर आएगा. 24 मत करके आ जाना, उन्होंने जान पूछ के तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए ये काम दिया है. आपको यार इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, विच विल बी 2√6. बी इज द आंसर. कितने बच्चों ने बी लिख दिया है? यस ऑर नो? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं इसके अंदर, है ना? सुनो ना, सुनो ना. अच्छा, रीजनिंग असर्शन बेस्ड ये नहीं है, वो है ना कुछ. चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो आपको चुनना होता है ए बी सी डी में से. ये तो नहीं. एक्यूट एंगल बिटवीन, अच्छा ये तो 3D का क्वेश्चन है. ये भी 3D का क्वेश्चन है, छोड़ दो फिर उसको. सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी ये देखो, वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है. फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल. देखो अब ये हमको एक नया शब्द मिला, ऑर्थोगोनल मतलब दे आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर तो आपने क्या करना है, आपने ए प्लस बी और ए माइनस बी फाइंड आउट करना है. एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट दे आर ऑर्थोगोनल. इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, लैम्डा निकाल दो. तो जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो ना, ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, दिस इज 6i - 2j प्लस 7 प्लस लैम्डा के कैप. एंड ए माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस 4i कैप माइनस j प्लस j 0 हो जाएगा. ये तो अरे ऐसी क्या जल्दी जाने की. अब इनका ऑर्थोगोनल मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो आप यहाँ तो आप वैसे ही देखो जीरो ही होने वाला है ना. बट एनी वे आप ऐसे करके ज़ीरो कर सकते हो. तो यू आर गेटिंग लैम्डा स्क्वायर ला 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 ला, ये क्या है? -24 + 49 - 24 + 49, तो 25 आ गया ना. लैम्डा इज प्लस माइनस 5. ठीक है जी, सबके सब देख लो एक बार, लैम्डा इज प्लस माइनस 5. करेक्ट. प्लीज़ खाली 5 मत लिख के आ जाना, कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता. राइट, आई होप बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो भी हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे यार आप सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो. राइट, क्या है ये? आई थिंक था एक बार ही इसमें. एक्सप्लोर कॉलेजे सर, आई थिंक उतना ही था, लिख लो बोर्ड पर. ओके, अब ये और वाले में तो देखो तुम्हारा डीआर डीसीज है लेकिन ऑफ अ लाइन है, तो थोड़ा प्लस माइनस का फर्क आता है. एनीवे हम 3D में करें. ये देखो तुम्हारा एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल आया. तो मैं क्यों सैम्पल पेपर के सवाल तुम्हें करा रही हूँ? ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तुम्हारे अंदर. ठीक है, सो तो सर्च मार लो ना. ढाई ढाई किलो का हाथ आपको पता ही है यार. ये देखो ऐसे मत लिखना क्योंकि ये लंबा चौड़ा सवाल है, वन मार्कर नहीं है, तो वो स्टेप्स मांग रहा है. तो यानी आपको ऐसा करना पड़ेगा, x.x ऐसा ऐसा करके नाटक थोड़ा सा करना पड़ेगा बेटा. देखो अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता इस चीज़ से, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा ये सब. ऐसा तुच्छा सवाल है ये. ये देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी इनको आप काट दोगे और बोलोगे बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज 12. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 12. एंड ये तो यार यूनिट वेक्टर चिल्ला चिल्ला के बता ही रहा है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स क्या करोगे आप लोगे? प्लस माइनस √13 है ना. अच्छा मैग्नीट्यूड है यार, माइनस कैसे होएगा? √13 है.
सॉरी बाय ऑफ दैट बच्चो, रूट 13 आप दे के अपने घर चले आओगे। ठीक है जी, दिस इज सॉर्टेड बेटा। या और कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन डी आई टणंग टंग टणंग टंग, मेरे ख्याल से तो हो गया। ये दोनों भाई साहब आपस में मिलके कुछ तो बात कर रहे हैं, हमें नहीं बता रहे। नहीं, दैट्स इट, बस इतना ही सही। अब मेरे को बताओ क्या मुश्किल था इसके अंदर? आसान था ये तो, है ना? नहीं ये नहीं, मतलब ये तो हो गई। एनीवे आप ना बाकी बोर्ड के चैप्टर्स भी एनसीईआरटी से एक्सरसाइज वाइज बिल्कुल बेसिक्स के साथ ये कर सकते हैं। नोट्स तो देखो मैं आपको तभी दूंगी जब मुझे यहाँ पे 1000 लाइक्स दिखेंगे। इफ़ यू वांट माय नोट्स जो मैंने खुद टाइप करके बनाए हैं, तो आई वांट टू सी 1000 लाइक्स, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में भी है, सिर्फ एक टैब्यूलेटेड फॉर्म में थोड़ा आसान करते हुए वो नोट्स बने हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करो, ठीक है? सो यहाँ पे इनफैक्ट जो डिलीटेड पोर्शंस हैं आपके क्वेश्चंस जो डिलीट हो चुके हैं सीबीएसई सिलेबस के लिए, उसकी भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, आप जाके चाहे तो 2x पे देख सकते हो। एवरीथिंग यू विल फाइंड। अब इसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर एज पर हमारा शेड्यूल जो है, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, आपने देख लिया होगा, स्ट्रेट लाइंस हो चुका है, वेक्टर्स हो चुका है। अब है बारी 8 दिसंबर को तुम्हारे जेई के बाइनोमियल थ्योरम की। अगला टॉपिक यहाँ से तो मुझे कोनिक्स दिख रहा है वैसे, बट कोनिक्स और पीएनसी में काफ़ी क्लोज कॉल ही चल रहा है, ठीक है? एंड बाकी आपका जो 10th दिसंबर को है वो है हमारा 3D ज्योमेट्री। इसके साथ साथ अब आपके बेसिकली 12th के कौन से चैप्टर बच जाएंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी एंड रिलेशन फंक्शंस इन वर्स्ट्रिगो, ठीक है जी? चलिए बाकी आप जो भी बात मेरे से करना चाहते हैं मेक श्योर कि कमेंट करके बताओ। तुम चाहते हो मैं पूरा तुम्हारा सैम्पल पेपर सॉल्व करवाऊँ एक बार साथ, वो भी कमेंट करके मेरे को जलूल जलूल बताना, ठीक है? ऑल्सो गाइज, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप फॉलिंग फॉर ऑल दीज। मैंने सुबह भी बात करी थी कि मुझे ना यार बड़ा एक होता है ना अंदर से, जो बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा होता है, अननेसेसरी चीज़ें आ रही होती हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ वो ब्रेकिंग न्यूज़। भाई आर्टिकल ना एक दिन में सैकड़ों निकलते हैं, ठीक है? कि लाइकली दिस वीक, लाइकली नेक्स्ट वीक, लाइकली सुनते सुनते पूरा नवंबर निकल गया अपना, लाइकली कुछ ना हुआ, ठीक है? सो वी कीप ऑन लिसनिंग टू दिस कि भैया वो ये सोच रहे हैं कि ये होगा वो होगा, और ब्रेकिंग न्यूज़ यार प्लीज़। आई डिंट वॉन्ट टू कम लाइव बट आई केम लाइव यही करने के लिए बच्चों को, यार देर इज़ एंड। मैंने लिटरली उस वीडियो को यही टाइटल किया कि नॉट अ ब्रेकिंग न्यूज़, ये कुछ न्यूज़पेपर्स का न्यूज़ है और कुछ नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तब हम मानेंगे। तो आप प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, जाके पढ़ो। दिस PDF इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ मोर देन 5000 क्वेश्चंस, ठीक है? आप बिल्कुल बेसिक से करो सबसे पहले एनसीईआरटी से किसी चैप्टर को अगर कभी नहीं किया, उसके बाद आप बिंदास यहाँ के वन शॉट्स देखकर एंड अपने PYQs प्रैक्टिस कर सकते हो। NTA के क्वेश्चंस, अरे यार इसको एक्सप्लोर करके देखो, इसके अंदर मॉक पेपर्स हैं, यूनिट वाइज मैराथन्स लगी हुई हैं कि पूरा अलजेब्रा पूरा कैलकुलस एवरीथिंग अंडर वन रूफ। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अगर ट्रस्ट मी, है ना, अभी भी नोटिफिकेशन आ जाती है और तुम्हें सुबह पता चलता है, तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन जैसे तुम एक तिनका वेस्ट करते हो ना, वो मत करो, राइट? वो मत करो। चलिए ऑन दैट नोट, हाँ अच्छा बच्चे कह रहे हैं एरिया अंडर द कर्व भी बचा है, हाँ हाँ बिल्कुल उसको भी करेंगे यार। चलिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर माय आर्मी। इसी तरह मिलके मचाएंगे आग लगाएंगे, आगे भी चलते जाएंगे। सी यू गाइस लाइव, बाय बाय।